Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. The love that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on the Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look out stars in the same sky. When I'm on the other side. Oh. Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड वेलकम टू द सायरान वाईटी लाइव स्ट्रीम। आज की स्ट्रीम की बात करते हैं तो गाइज़ आज हम के ईएसी सीज़न 4 का जो है गाइज
सेमीफाइनल स्ट्रीम करने वाला है। आज के मैचेस की अगर मैं बात करूं तो आज का कुछ डिफरेंट शेड्यूल रहने वाला है गाइस। आज का जो पहला मैच है वो खेला जाना है इनटू द एरेंगल, द सेकंड वन अगेन इनटू द एरेंगल, और तीसरा मैच जो होगा और आखिरी मैच जो होगा सेमीफाइनल्स का गाइस वो खेला जाना है इनटू द एरियाज ऑफ सैनॉक ओवर देयर। तो देखते हैं किस टीम की तरफ से हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी कवर अप करने के लिए मिलती है, किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलेगा, और आज की इन 18 टीम्स में से कौन सी वो टॉप 8 टीमें होंगी। यानी कि गाइस 10 टीमें हैं ऐसी जो डिस्क्वालीफाई होनी है आज के इन 3 मैचेस में, तो कौन सी डिस्क्वालीफाई टीम्स होने वाली है एंड कौन सी टीम्स आगे जाएंगी टुवर्ड्स द फाइनल स्टेज ओवर देयर। बात करता हूँ टीम्स की, तो काफी सारी टीम्स हमें यहाँ पे ज्वाइन करते हुए नजर आएंगी। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ द टीम 313 की, एवेंजर ई स्पोर्ट्स, द टॉक्सिक ई स्पोर्ट्स, एनएसजी ई स्पोर्ट्स, द पॉइंट ब्लैक ई स्पोर्ट्स, एमवीजी, स्कालेक्स ई स्पोर्ट्स, यूचीहा ईएसपी, डब्ल्यूआरटी, एवेंजर्स ओरिजिनल्स, एसटीई एक्स एनएक्सिस, द डेल्टा एक्स फर्नाटिक, फेस्नियो ई स्पोर्ट्स, नोन फॉर टेरर, 4S, सब जीरो, टीम ट्राई आउट एंड टीम कैंपर्स ओवर देयर। तो गाइज ये 18 टीमें कम्पीट करेंगी एक दूसरे के साथ में, और ये 18 टीमें जो है गाइज भिड़ेंगी एक दूसरे के साथ में आज के इन 3 मैचेस में, एंड इनमें से सिर्फ 8 टीमें ऐसी होंगी जो निकल के आगे जाएंगी टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, एंड दैट्स गोना बी द फाइनल स्टेज ओवर देयर। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे टीम्स की बात करते हैं तो आई थिंक फिलहाल के लिए एक सोलो पर्सन आते हुए नजर आएंगे ऑफ द टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स ओवर देयर। तो फिलहाल के लिए लेट्स लेट देम जॉइन, फिलहाल के लिए सिर्फ 23 प्लेयर्स ने ज्वाइन करा है, 3 मिनट के बाद जो है मैच स्टार्ट हो जाना है, एंड ये जो गाइस मैच है वो खेला जाना है इंटर द रैंगल ओवर देयर। पहला मैच रहेगा आज के दिन का, देखते हैं किस टीम की तरफ से कैसा क्या गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्वालिफायर्स नहीं ब्रो, इस इज सेमीफाइनल, क्वालिफायर्स इज ओवर नाउ, ये सेमीफाइनल्स रहेगा कल या परसों, शायद से कल ब्रेक रहेगा, कल कोई भी मैच नहीं होगा, शायद से फिर परसों फ्राइडे के दिन जो है आगाज होगा ऑफ द फाइनल्स, जो टोटल खेला जाएगा 2 दिन, एंड दैट्स फ्राइडे एंड सैटरडे प्रोबेबली, एंड देन संडे मंडे ट्यूसडे जो है गाइज खेला जाना है द ग्रैंड फाइनल स्टेज ओवर देयर, जहां पे आप विटनेस करेंगी द टॉप इंडियन टीम्स बैटलिंग अलॉन्ग विद योर साइड ओवर देयर। तो फिलहाल के लिए लेट्स लेट द टीम ज्वाइन ओवर देयर, कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट सम प्लेयर्स ओवर देयर। यहाँ पे सब जीरो गॉडगिल की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ उनका केडी 6.28 का देखने को मिल रहा है इन 108 मैचेस ओवर देयर, एंड बात करते हैं सिवेज की, तो सिवेज का 6.80 का केडी हमें देखने को मिलेगा इन 119 मैचेस ओवरऑल। ओवर टू फ्यू अदर प्लेयर्स लाइक यहाँ पे फ्रेशनियो मैजिशियन की तरफ लेके चलता हूँ, तो आई थिंक ही हैज नॉट प्लेड एनी मैच ओवर देयर। द पैकमैन की बात करते हैं, तो पैकमैन का 5.96 का केडी देखने को मिलेगा इन दोज 178 मैचेस फॉर नाउ। तो गाइज धीरे धीरे करके यहाँ पे टीम्स तो ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल से 9:18 ऑलरेडी हो चुके हैं, आफ्टर 2 मिनट और सो हम जो है मैच स्टार्ट कर देंगे जो पहला मैच खेला जाना है इन टू द रैंगल ओवर देयर। तो क्या गाइस क्या लगता है कौन सी टीम आज, कौन सी टॉप 8 टीमें ऐसी होंगी जो क्वालिफाई करके जाएंगी टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज, एंड कौन सी वो 10 टीमें होंगी जिनको बीटी लग जाएगी आज, जिनको आज डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। बात करता हूँ स्लॉट्स की, तो गाइस आप में से जिन्होंने भी अभी तक फिलहाल से क्वालिफाई नहीं कर पाए, डिस्क्वालीफाई हुए, या फिर नोटिफिकेशंस वगैरह किसी की चीज़ के बारे में पता नहीं था, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू कैन जस्ट गेट योर स्लॉट इन टू द फाइनल स्टेज डायरेक्टली, जो इसके बाद खेला जाना है यानी कि फ्राइडे से, जस्ट एज ₹300, तो लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे गाइज, अगर आपने अभी तक स्लॉट नहीं लिया है तो जल्दी से स्लॉट ले लीजिएगा। बाय द वे दिस टूर्नामेंट इज बीइंग पावर्ड अप बाय द लूसिफर वाईटी, तो उनकी भी चैनल को उनके इंस्टाग्राम यानी कि शहाब अंडरस्कोर अशरफ के नाम से उनका जो इंस्टा पेज है उनको फॉलो करना ना भूले वहाँ पे। So talking about those teams, so they have for now joined as a whole man squad, जो टीम है फिलहाल के लिए नजर आ रही है। टोटल टीम्स की बात करूँ तो 18 टीमें रहेंगी गाइज, एंड टॉकिंग अबाउट दिस प्लेयर्स, तो टोटल 72 प्लेयर्स हमें विटनेस करने हैं इनटू दिस पर्टिकुलर लॉबी। यहाँ पे बात करता हूँ द टीम्स दैट्स गोना बी द टीम 313, वो कम्प्लीटली आ चुके हैं, द टीम एवेंजर ईस्पोर्ट्स और ऑल्सो एज अ होल मैन स्क्वाड ओवर देयर, टॉक्सिक ई स्पोर्ट्स भी कम्प्लीटली आ चुकी है, एन ए जी ई स्पोर्ट्स का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है गाइज, पॉइंट ब्लैक ई स्पोर्ट्स की भी टीम आ चुकी है यहाँ पे, एम वी जी का भी पूरा स्क्वाड देखने को मिल रहा है, द टीम स्कालेक्स इज ऑल्सो एज अ होल मैन स्क्वाड ओवर देयर, यूचीहा का भी पूरा स्क्वाड देखने को मिल रहा है गाइज, डब्ल्यू आर टी की भी पूरी स्क्वाड आ चुकी है,
द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की बात करें तो उनका भी पूरा स्क्वाड आ चुका है। एच टी एक्स नेक्सिस की बात करूँ तो उनका सिर्फ 3 मैन का स्क्वाड देखने को मिल रहा है। उनका नेक्स्ट प्लेयर भी आ चुका है बाय द वे। एंड ओके सो 22 का एक्सपी है, ओके इट्स गुड। सो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टीम दैट्स द DXF, तो उनका भी पूरा स्क्वाड आ चुका है गाइज। फैशन न्यू स्पोर्ट्स का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है, K40 की भी पूरी स्क्वाड आ चुकी है, 4S का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है, यहाँ पे सब जीरो का भी पूरा स्क्वाड देखने को मिलेगा। द टीम ट्राई आउट्स का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है गाइज। एंड यहाँ पे टीम कैंपर्स की मैं अगर बात करूँ तो उनका सिर्फ 3 मैन स्क्वाड है। ओके सो देयर प्लेयर हैज ऑल्सो जॉइन, गेट इन योर स्लॉट एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग द मैच। तो आई थिंक लेट्स बिगिन दिस मैच। यहाँ पे पहला मैच जो है गाइज स्टार्ट कर दिया जा चुका है, जो खेला जाएगा इन टू द एरेंगल, एंड देखते किस टीम की तरफ से हमें किस तरीके की स्ट्रेटेजी कवर अप करने के लिए मिलते हुए नजर आएगी। ओके लेट्स बिकी, क्या हो गया इसको, एंटर क्यों नहीं हो रहा है आज मैच? आई है कनेक्टेड किन बे क्या गो? ओ, दिस इज अ बिग फ्रॉड गाइस, दिस इज अ बिग फ्रॉड, ये तो बहुत बड़ी फ्रॉड थी। एक सेकंड, चलो एटलीस्ट पहले ही पता चल गया। इट्स गुड, पहले ही पता चलना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, अदरवाइज बीटी लग जाती सडनली मैप में, कभी भी नेपिंग आएगा, इशू हो जाता है या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें, तो उस चीज़ की वजह से आई एम सॉरी। लेट मी जस्ट कनेक्ट, रिकनेक्ट द नेटवर्क ओवर दे, ताकि बीटी ना लगे बाद में। ओके तो नेटवर्क कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट करते हैं। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी हो जा भाई, जल्दी तो हो जा, पहले मैच एंटर करता हूँ। एक सेकंड गाइस, पहले मैं मैच एंटर करता हूँ, बाद में कनेक्ट करते हैं, फिर सीन नहीं होगा उतना। ओके कुछ गड़बड़ है आई थिंक, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग, एंटर मैच अगेन। ओके आ गया, ये तो कनेक्ट हो जाना चाहिए, जल्दी हो जा ब्रो। ओके हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ओके सो गाइज सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन ओवर देयर। यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले प्लेन पाथ की, तो प्लेन पाथ जो है गाइज जाता हुआ नजर आ रहा था हमें फ्रॉम द सिवर्नी एरिया टूवर्ड्स द नोअर अपनाई। तो लेट्स सी किस टीम की कहाँ की ड्रॉप स्ट्रेटजी रही है एंड किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलता है फ्रॉम दोज टीम्स ओवर देयर। बात करता हूँ द टीम दैट्स गोना बी द टीम एवेंजर्स, तो एवेंजर्स का जो स्क्वाड है गाइज वो जा चुका है टुवर्ड्स द सिवनी, जहाँ उनको कोई भी स्क्वाड जो है फिलहाल के लिए ज्वाइन नहीं करेगी, जिस चीज़ की वजह से द टीम इज डेफिनेटली गोना बी एट अ सेफर साइड, एंड आई थिंक फिलहाल के लिए कोई भी बीटी जो टीम को नहीं लगने वाली है। बात करते हैं द टीम एनर्जी की, तो आई थिंक वो अपने ही फेवरेट ड्रॉप लोकेशन में अब ग्लाइडिंग करने की कोशिश कर रही है, एंड फिलहाल के लिए वो रीच नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक शूटिंग रेंज के लोअर साइड एरियाज पर देखने को मिलेगी। DXF की स्क्वाड की बात करूँ तो आई थिंक वो व्हीकल का इस्तेमाल करके यहाँ पर जाना चाहेंगे टुवर्ड्स द फेवरेट ड्रॉप लोकेशन, एंड दैट्स गोना बी द जॉर्जो अपार्टमेंट एरियाज ओवर देयर। बात करते हैं द गाइज वाटर सिटी की, तो वहाँ पे हमें जो टीम देखने को मिल रही है दैट्स गोना बी द टीम कैंपर्स ओवर देयर। कैंपर्स का पूरा स्क्वाड रहेगा फिलहाल के, देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है इनका। आई थिंक यहाँ पे इवेंचुअली इनकी जो कोशिश है वो हो सकती है जाने की टुवर्ड्स द अपार्टमेंट, टुवर्ड्स द जॉर्जो अपार्टमेंट, या फिर बात करूँ जॉर्जो कंटेनर्स, या फिर स्टी जा सकती है। WRT की स्क्वाड की बात करते हैं तो गाइज फिलहाल के लिए वो देखने को मिल रहे हैं नियर दैट जॉर्जो ब्रिज, उनके कंपाउंड वो जो जॉर्जो ब्रिज के करीब कंपाउंड हमें देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे फिलहाल के लिए गाइज लूट करते हुए नजर आ रही है। आई थिंक दे आर सेफली गोना डू दैट, उनके लिए कोई भी बीटी वाली बात नहीं रहेगी, कोई भी ट्रबल वाली बात नहीं रहेगी। यहाँ पे बात करता हूँ द अदर टीम दैट इज द कैंपर्स ओवर देयर, आई थिंक यहाँ पे बोर्ड का सहारा लेके जाना चाहेंगे टुवर्ड्स द जोन ओवर देयर, बट अपने इन्फोनो जॉर्ड को वहाँ पर गवाना पड़ेगा, शेडी अपने खाते में वो खेल ऐड करते हुए नजर आएंगे। जोन की बात करूँ तो जोन एक शिफ्ट देता हुआ नजर आएगा फ्रॉम द लोअर साइड एरियाज ओवर देयर। बात करते हैं द टीम 4S की, तो गाइज उनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए मिल रही बेस के एरिया में देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज डेफिनेटली देयर पर्टिकुलर फेवरेट ड्रॉप लोकेशन एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट। यहाँ पे DXF की तरफ लेके चलते हैं, तो उनके जो रॉजर है गाइज उनको नॉक होना पड़ा है, एंड द टीम NSG इज ओवर देम, तो डेफिनेटली यहाँ पे टीम ने फॉल बैक करना प्रेफर समझा, यहाँ पे सैक्रीफाइस करना पड़ेगा रॉजर को। बात करते हैं अपार्टमेंट एरिया की, तो वहाँ पे गाइज टीम 313 की स्क्वाड देखने को मिल रही है, स्कूल एंड स्कूल अपार्टमेंट के एरियाज में स्कैटर्ड है टीम, एज अ होल में स्क्वाड देखने को मिल रही है, एंड फिलहाल देखते हैं इनका भी क्या सीन रहता है।
एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तरफ लेके चलते हैं, जो जा चुकी है टुवर्ड्स द पोचिंग की एरियाज, उनको वहाँ पे कोई भी टीम जो है गाइस ज्वाइन नहीं करेंगी, जिस चीज़ की वजह से डेफिनेटली दे आर गोना बी एट अ सेफर साइड फॉर नाउ एंड दे विल नॉट बी गेटिंग एंगेज्ड इनटू अ गुड फाइट ओवर देयर। बात करते हैं पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स की, तो इनकी जो टीम है गाइस वो नोर अपना के एरिया में देखने को मिल रही है, फिलहाल के लिए एक सेफर साइड पर है, इनके लिए कोई भी बीटी वहाँ पर नहीं रहने वाली है एंड इवेंचुअली दे माइट नॉट बी एबल टू गेट सम किल्स इन टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। यहाँ पे सब जीरो की तरफ लेके चलते हैं, तो सब जीरो का जो स्क्वाड है गाइस वो मिल्टा के एरिया में देखने को मिल रहा है। सब जीरो की अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ में मैं फहद, पैकमैन, गॉड किल एंड कदला जो है खेलते हुए नजर आएंगे। गॉड किल की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास में फिलहाल के लिए एक स्कारल एंड एक वेक्टर देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा लूट करते हुए नजर आ रहे हैं विदाउट एनी बीटीज, विदाउट एनी इंटरप्शंस ओवर देयर। फार्म की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे जो एज यूजुअल हमें टीम फैशनियो ईस्पोर्ट्स की टीम देखने को मिल रही है, एज होल मैन स्क्वाड इनकी टीम वहाँ पे देखने को मिल रही है एंड फिलहाल के लिए कोई भी बीटी इनके लिए नहीं लगने वाली है। यूचिया की तरफ लेके चलता हूँ जो फार्म के ही कुछ एडजेसेंट एरियाज में हमें देखने को मिलेगी, इनकी भी टीम गाइस एज अ होल मैन स्क्वाड ही हमें नजर आ रही है। बात करता हूँ टीम की तो इनके साथ हमें ओबिटो, द टाइगर जिंदा, युचिहा नाका एंड युचिहा क्रेटोस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम जो एज अ होल मैच स्क्वाड हमें देखने को मिल रही है फिलहाल के लिए। बात करता हूँ द अदर टीम दैट इज गोना बी द स्कलेक्स, वो जो है फिलहाल के लिए जा चुके टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ द फेरी पायर। गाइस उनके साथ में हमें स्कलेक्स के टॉम, एनएमडी गॉड सेंट, राइजन एंड सेज खेलते हुए नजर आएंगे। टीम जो है एज अ होल मैन स्क्वाड प्रेजेंट रहने वाली है वहां पे, तो इवेंचुअली किस तरीके का गेम प्ले हमें कवरअप करने के लिए मिल सकता है इन टीम्स की तरफ से, लेट्स हैव अ लुक एट दैट लेटर ऑन। एंड फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ टीम्स की तो वो एक सेफ साइड पर रहेंगे एंड अभी फिलहाल के लिए जो कोई भी फाइट इनिशिएट नहीं होगी टीम की। ओके, सो लेके चलते हैं K40 की तरफ भी गए, जो जॉर्ज जो अपार्टमेंट एरिया में जा चुकी है एज अ होल मैन स्क्वाड, इनकी भी टीम देखने को मिल रही है। इनके साथ में हमें नियो, लेविक, विजगॉड एंड ड्रोगो एज अ होल मैन स्क्वाड खेलते हुए नजर आ रही है एंड आई थिंक इनके जो सामने जो टीम हमें देखने को मिल रही है दैट इज गोना बी ऑफ द थ्री मैन स्क्वाड ऑफ द DXF ओवर देयर, बिकॉज ऑलरेडी रॉजर को जो है वहाँ पे गवाना पड़ा था फ्रॉम द टीम एनर्जी ओवर देयर, जिस चीज़ की वजह से उनको जो है हल्की सी बीटी लग चुकी है एंड दे आर डेफिनेटली गोना हैव अ इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग फॉर अ लॉन्गर रन ओवर देयर। टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स की तरफ लेकर चलता हूँ जो गाइस फिलहाल के लिए अपने ही फेवरेट ड्रॉप लोकेशन पर जा चुके हैं, दैट्स गोना बी द वाटर सिटी ओवर देयर एंड इनके साथ में हमें गब्बर, चोक करने वाला SXR साबिर और TXC नूब जो है खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम एज अ होल मैन स्क्वाड हमें फिलहाल के लिए वहाँ पर देखने को मिल रही है। जोन की बात करूँ तो जोन के एक अच्छा खासा शिफ्ट हमें गाइस देखने को मिला है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम्स हैव टू क्लोज इन द जोन ओवर देयर। यहाँ पे बात करता हूँ STEX नेक्सस की स्क्वाड की, तो आई थिंक उनका जो डुओ है फ्रंट लाइन पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, दे विल बी डेफिनेटली क्लोजिंग इन टुवर्ड्स द फार्म एरिया जहाँ पे ऑलरेडी फैशनियो ईस्पोर्ट्स एंड टीम युचिहा जो है हमें देखने को मिल रहा है होल्ड करते हुए। लेट्स सी क्या यहाँ पे टीम बीटी लेती है या फिर बीटी देती है, दैट हैज टू बी डिसाइडेड व्हेन द फाइट्स आर गेटिंग एंगेज्ड विद देम। भाई हम गरीबों को रिप्लाई दे दो, अच्छा सॉरी मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े ऊपर क्या। एक्सक्लेमेटरी मार्क पॉइंट्स मीर यासिर, टीन ऑफ जॉर्डन दबा के लाइक्स ठोको, अरे जान एक्सक्लेमेटरी मार्क पॉइंट्स, युचिहा दिखाओ, दिखा दिया आप लोग, गॉड किल दिखा दिया आप लोग। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दोज टीम्स, फिलहाल के यहाँ पे आई थिंक क्लैश हो चुका है ऑफ द टीम MVG एंड द टीम पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स, इनका जो फोर मैन स्क्वाड दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। दे विल बी डेफिनेटली टेकिंग अ गुड फैट ओवर देयर एंड डेफिनेटली एक अच्छी खासी बीटी दे सकती है पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स को द टीम MVG, बिकॉज एट दैट थर्ड पोजीशन क्वालिफाई करने में कामयाब हुई थी। लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है, क्या एक अच्छा खासा गेम प्ले दिखा पाती है यहाँ पे या फिर नहीं। किसको दिखाना है, फ्रैगर 4S को दिखा। 4S की स्क्वाड की बात करूँ वो अपने ही फेवरेट ड्रॉप लोकेशन पर जा चुके हैं, दैट्स गोना बी द मिलिट्री बेस एरिया ओवर देयर। आई थिंक शायद यहाँ पे ब्रिज कैंप करने की कोशिश हो सकती है इनकी, देखते हैं क्या स्नेरियो है। फिलहाल के लिए इनके साथ में हमें न्यू प्लेयर स्पाइस जेट, साही और एहसान खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम जो है गाइस एज अ होल मैन स्क्वाड प्रेजेंट रहने वाली है वहां पे। ओके, एवेंजर्स की बात करते हैं तो एवेंजर ईस्पोर्ट्स की जो गाइस टीम है वो अब रोटेशन देते हुए नजर आ रही है इंटर द जोन। लेट्स सी इनका भी क्या स्नेरियो रहता है, क्या इनकी तरफ से एक अच्छा खासा सेफ क्लोजिंग हो जाता है इंटर द जोन या फिर उनको एक बीटी लगनी है या फिर उनको कुछ इम्पैक्ट हो सकता है वहां पे, डेफिनेटली दैट हैज टू बी सीन। देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है वहाँ पे फिलहाल के लिए। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एवेंजर ईस्पोर्ट्स की टीम की, तो आई थिंक शायद से इनके साथ में हमें आज नई रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, दैट्स गोना बी ऑफ द रेकी जॉर्ड ओवर देयर। बात करता हूँ टीम के, इनके साथ में हमें चर्सी, अपसर्ज एंड जैगेड ओवरऑल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके,
टॉकिंग अबाउट द के एम आर उजैर, यहाँ पे थोड़ी सी बीटी लग चुकी है टीम को, बिकॉज एक क्लैश हो चुका है बिटवीन द फेस्टिव स्पोर्ट्स एंड द टीम यूचिहा ओवर देयर। यूचिहा के जो टाइगर जिंदा है उनके सामने नॉक करा जा चुका है उस्मान जॉर्ड को। के एम आर उजैर ऑलरेडी फिनिश आउट किया जा चुके हैं। शायद से यहाँ पे एस टी नेक्सस जो है वो अपने खाते में खेल्स एड करते जा सकते हैं, वो यहाँ पे एक बी टी देते हुए नजर आ सकते हैं। टीम्स की बात करूँ तो देखते हैं क्रेटोस वगैरह क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉट सीरीज को नॉक किया जा चुका है, एंड देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है यहाँ पे इनकी तरफ से, कैसा क्या गेम रिकवर करेगा, क्या यहाँ पे डायरेक्टली पुश किया जाएगा या फिर नहीं। क्रेटोस ने यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दिया था छिपी चिड़िया को, डेफिनेटली नॉक भी किया जाएगा उनके टीम मेट टाइगर जिंदा की तरफ से। दैट इज गोना बी अ मेजर कैजुअलिटी। यहाँ पे एक और प्लेयर को गिरा जाएगा नाका की तरफ से। यूचिहा ईस्पोर्ट्स एट इट्स बेस्ट गाइस, यूचिहा ईस्पोर्ट्स की तरफ से क्या ही जबरदस्त गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली दैट हैज टू सीन ओवर देयर, एंड एक अच्छा खासा गेम प्लान की तरफ से कवर अप करने के लिए तो मिला ही मिला, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर मेजर मैन आउट देयर, दैट इज डेफिनेटली गोना बी द क्रेटोस ओवर देयर। छिपी चिड़िया की बात करूं तो आई थिंक उनको भी यहां पे फिनिश आउट होना ही होना पड़ेगा। द टीम एस टी ई एक्स नेक्सस जो है यहां पे ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रही है, उनके सोलो प्लेयर यहां पे एस जी न्यू प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं इनकी तरफ से किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलेगा, और इज ही गोना सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर हिज टीम ओवरऑल। एनएसजी की टीम है क्या? एनएसजी की टीम क्या है? एचएसटी नहीं है ब्रो, वो कल ही डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ओके सो ये रही ब्रो एनएसजी की स्क्वाड कहाँ गई? ओके ये रही, सॉरी ये रही एनर्जी की स्क्वाड। इनके साथ में हमें एनर्जी गॉड स्नैज ओजी मॉर्फन ओजी और पहचान कौन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इनका जो टीम है गाइस वो एज अ फोर मैन स्क्वाड देखने को मिल रहा है, देखते हैं क्या सीन होता है। ओके बाकी टीम्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो न्यू प्लेयर है वो काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं टू द टीम यूचीआई स्पोर्ट्स ओवर देयर, तो आई थिंक शायद से इनको भी फिनिश करके यहाँ पे द टीम एस टी ई एक्स नेक्सस को वाइप आउट किया जा सकता है, उनको जो है मैच के बाहर भेजा जा सकता है फिलहाल के लिए। तो क्या ये चीजें होंगी यहाँ पे, क्या यहाँ पे एक बुरी बीटी लेके जाएगी द टीम एस टी ई एक्स नेक्सस, या फिर एक अच्छा खासा गेम प्ले उनकी तरफ से कवर अप करने के लिए मिलता है? आई थिंक ही शुड हैव फॉलन बैक, बिकॉज टीम को अदरवाइज एक बीटी लग सकती है, टीम को जो है एक कैजुअलिटी का सामना करना पड़ सकता है वहां पे इनिशियल स्टेज में, वहां पे एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उनको। सो गाइस फिलहाल के लिए बात करते हैं टीम्स की, तो डब्ल्यूआरटी की जो स्क्वाड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रंट लाइन पे, जो उनके शेड या वो क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इनटू द जोन। देखते हैं उनकी तरफ से किस तरीके का गेम प्ले कवर अप करने के लिए हमें मिलेगा, एंड विल दे बी शॉवरिंग अ गुड गेम सिंस यहाँ पे, या फिर आज उनको बीटी लगनी है। फिलहाल के लिए और एक खेल जो है ऑलरेडी गाइस अपने खाते में लेके जा चुके हैं, एंड इवेंचुअली किस तरीके का नेक्स्ट गेम प्ले इनका क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो भी देखने लायक रहेगा। यहाँ पे एवेंजर्स ओरिजिनल्स की बात करूँ तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करीब रहेंगे टू द टीम डब्ल्यू आर टी की स्क्वाड के, क्या यहाँ पे स्पॉट करके फिनिश कर पाएंगे या फिर एक बीटी लेके जाता है। शेख फोर्ड यूचिहा फेवरेट्स टू टॉप द ग्रुप। ओके सो यहाँ पे जैसे लाइक मैं बात कर रहा था सिवेज की, तो सिवेज जो ऑन दैट टेम्बो स्पॉट करे जाएंगे। सिवेज ने गाड़ी ठोकी, सिवेज को गिरना पड़ सकता है। यस, सिवेज इज गोना गेट ड्रैग्ड आउट ऑफ हिज लैम्बो ओवर देयर, एंड इंस्टेंटली फिनिश भी किया जाएगा। डब्ल्यूआरटी की स्क्वाड की जिस तरह मैं बात कर रहा था गाइस आज बीटी लेके जा चुकी है। यहाँ पे शेडी की बात करूं तो उनका व्हीकल भी यहाँ पे डैमेज है, उनको बीटी लगनी है, उनकी तरफ अगर पुश आ जाता है तो डेफिनेटली उनको नॉक होना ही होना पड़ेगा। रेनूब की बात करो तो उनकी तरफ से एक फ्लैंक होता हुआ नजर आएगा टुवर्ड्स द शेडी ओवर देयर। शेडी काफी ज्यादा डैमेज ले रहा है, शेडी काफी ज्यादा टैग्ड रहेंगे वहां पे, उनकी तरफ कुछ आधे शॉट्स अगर कनेक्ट हो जाते हैं उनको गिरना पड़ेगा। डेफिनेटली आई थिंक शेडी इज गोना गेट नॉक्ड आउट ओवर देयर। पैन करने की कोशिश यहां पे टीम एवेंजर्स की तरफ से, इज ही गोना स्पॉट हिम। यस, मैडविक ने वहां पे जो है कुछ शॉट्स कनेक्ट करे टुवर्ड्स देम, एंड यहां पे शेडी को जो है फिनिश किया जा चुका है। द टीम डब्ल्यूआरटी इज गोना टेक अ बिग डैम बीटी इनटू दिस वेरी पर्टिकुलर स्पॉट। आई गेस पहला मैच बहुत ही ज्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है स्पेक्ट्रा एंड टामो की अगर मैं बात करूं तो, एज अ टू मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करेंगे। लेकिन चलते टुवर्ड्स द मिलिट्री बेस, जहां पे जो गाइज टीम एमवीजी की स्क्वाड आ चुकी है, एंड ऑल्सो द अदर टीम दैट्स गोना बी प्रेजेंट आउट देयर, इट्स गोना बी द टीम फोरेस। एक 4v4 का एक अच्छा खासा फाइट हमें गाइज कवर अप करने के लिए वहां पे मिलता हुआ नजर आ सकता है। सब जीरो के स्क्वाड की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा करीब है, तो टीम ट्राई आउट्स ओवर देयर, तो क्या यहाँ पे फॉल बैक करेंगी? बिकॉज ऑलरेडी सब जीरो को जो लूट है वो मिल्टा में ही हो चुका है, तो वहां पे होल्ड करने से उनका कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो डेफिनेटली दे विल बी फॉलिंग बैक।
दे विल बी गिविंग अ गुड डैम रोटेशन इन टू द जोन. लेट्स सी इफ वो एक कामयाबी से जोन क्लोजिंग कर पाते हैं या फिर उनको एक बीटी लग जानी है. उनके लिए क्या यहाँ पे गेट कीप होना है. डी एक से भी स्क्वाड की तरफ लेके चलता हूँ जो फिलहाल के लिए आउट ऑफ द जोन देखने को मिल रही है. लेट रोटेशन यहाँ पे लेट रोटेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रही है टीम. एंड आई थिंक ऑलरेडी जो रॉजर है उनको गवाना पड़ा है टीम को, जिस चीज़ की वजह से दे विल बी स्टैंडिंग एज अ थ्री मैन स्क्वाड ओवर देयर. टीम कैंपर्स की तरफ लेके चलता हूँ जो हाँ जॉर्जियो सिटी के एरिया से निकल चुकी है. डेफिनेटली इन्फर्नो जॉर्ज को जो है वहाँ पे गवा चुकी है टीम, जिस चीज़ की वजह से ये टीम भी एज अ थ्री मैन स्क्वाड ही हमें सर्वाइव करते हुए नजर आएगी. इनका भी एक रोटेशन जोन की तरफ हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए. यहाँ पे बात करते हैं गाइस द टीम एनईजी की स्क्वाड की, तो यहाँ पे टीम टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स के साथ में इनकी फाइट इनिशिएट हो चुकी है. मिलिट्री बेस में द टीम 4S के जो न्यू प्लेयर है उनको फिनिश किया जा चुका है इंस्टेंटली. ऑन टू द फ्रंट साइड अगर मैं बात करूँ तो टीम एमवीजी वो अपने खाते में एक किल एड करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे. वापस से लेकर चलता हूँ टूवर्ड्स द टीम टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स जहाँ उनके जो S6R साबिर है उनको नॉक किया जा चुका है. टीम एक भद्दी सी बीटी ले सकती है यहाँ पे अगर जल्दी से एक एड प्रोवाइड नहीं किया गया. एड तो प्रोवाइड किया गया है एनईजी की तरफ से, एक क्लोजिंग भी किया जा चुका है. आई थिंक कुछ कंज्यूमेबल्स कुछ थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे फिर से गिराया जा सकता है प्लेयर्स को. लेट्स सी क्या यहाँ पे कामयाबी से वो चीज़ें होती है या फिर गिरना पड़ेगा. पहचान को उनकी मैं अगर बात करूँ तो वो फ्रंट लाइन पे पुश करेंगे, नेट को करते हुए नजर आएंगे. देखते क्या एडवांटेज मिलेगी. फिलहाल के लिए टॉक्सिक नूब को गिराया जाएगा. नेट तो कुछ थ्रो किया जा रहा है बट एट द रॉन्ग पोजीशन ओवर देयर. वहां पे कोई भी बंदा प्रेजेंट नहीं रहेगा जिस चीज की वजह से फर्दर कैजुअलिटीज नहीं होंगी. कुछ और थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा बट नो कैजुअलिटीज जल्ट एट ऑल. साबिर की बात करता हूँ, साबिर रहेंगे फ्रंट लाइन पे तो उनकी तरफ से एक डिफिकल्टी क्रिएट की जा सकती है टीम के लिए. एनएसजी गॉड की बात करूंगा इस, वो भी एक फ्लैंक ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. डेफिनेटली उनकी तरफ से कुछ शॉट्स कनेक्ट करके प्लेयर्स को गिराया जा सकता था बट आई थिंक वो कामयाबी से नहीं कर पाए. मॉर्फिन की तरफ से गब्बर को गिराया जाएगा गाइस. यहाँ पे नूब की बात करूँ तो नूब को भी एक अच्छा खासा डैमेज दिया जा चुका है. साबिर की बात करें, साबिर को स्पॉट किया जा चुका है पहचान कौन की तरफ से. यहाँ पे जो गाइस गॉड को गिराया जा चुका है, गॉड को बख्शा नहीं जाएगा, गॉड को फिनिश भी इंस्टेंटली होना पड़ेगा वहां पे. डेफिनेटली दैट इज इवेंचुअली गोना क्रिएट सम बीटीज फॉर द टीम ओवर देयर. टॉक्सिक नूब की बात करूं तो यहाँ पे अकेले है अलोंग विद चो करने वाला आई थिंक यहाँ पे एक सोलो पर्सन आप अपनी टीम के लिए देखने को मिलेंगे. डीबीएस का शॉट पहचान कौन की तरफ कनेक्ट हुआ, फिनिश करने की कोशिश हो सकती है यहाँ पे. सामने मॉर्फिन हो चाहिए, मॉर्फिन क्या यहाँ पे शॉट कनेक्ट कर पाएंगे. He did have that reload. He could have just swapped his gun and earlier finished that out. But no, he was not able to do so. And यहाँ पे टीम एनर्जी का थ्री मैन स्क्वाड जो है गाइस सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा फिलहाल के लिए. सब जीरो की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ उनके गॉड किल को फिनिश आउट किया जा चुका है एवेंजर्स के जैग्रिड की तरफ से. डेफिनेटली वो काफी ज्यादा बीटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा टीम के लिए. एंड देखते किस तरीके का सिनेरियो अब क्रिएट हो सकता है यहाँ पे टीम के लिए. ओवरऑल लेके चलता हूँ तो टीम एमवीजी की तरफ भी गाइज जो कम्प्लीटली सर्वाइव कर रही है, ऑलरेडी एक किल भी अपने खाते में लेके जा चुकी है. सामने जो टीम देखने को मिल रही थी इनटू द मिलिट्री बेस सेक्शन दैट वाज अ टीम 4S जिनकी एक कैजुअलिटी हो चुकी है न्यू प्लेयर की. एंड ओवरऑल पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स भी आई थिंक वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऑन दैट पर्टिकुलर साइड जहाँ पे हमें जो है टीम 4S देखने को मिल रही है. तो एक क्लैश देखने को मिल सकता है वहाँ पे, हमें एक बीटी कैप्चर करने के लिए मिल सकती है हमें वहाँ पे. देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है ओवरऑल. यहाँ पे वाइज बात करते हैं कुछ और टीम्स की. एंड डेफिनेटली यहाँ पे टीम एवेंजर ईस्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने खाते में एक किल लेने में कामयाब हुए, अपने एक किल सिक्योर करने में कामयाबी हासिल करी टीम ने. और फिलहाल के लिए फर्दर बीटीज नहीं लिखेगी. 4S की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ पे 4S वर्सेस द पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा. देखते हैं इनकी तरफ से किस तरीके का गेम प्ले में कवर करने के लिए मिलेगा बिकॉज टीम को तो थोड़ी सी बीटी लग सकती है. स्पाइसजेट एहसान ऑन द फ्रंट लाइन, बैक साइड पे जो हमें शाही देखने को मिल रहा है तो शाही वगैरह क्या यहाँ पे फॉल बैक करेंगे या फिर नहीं. स्पाइस जेट की तरफ से एक नेड को किया जा रहा है. लोगान जस्ट उनके बिल्कुल सामने प्रेजेंट है तो क्या लोगान को स्पॉट किया जाएगा या फिर लोगान वाज वन हु विल बी स्पॉटिंग आउट. यस ही इज द वन हु विल बी स्पॉटिंग आउट. स्पाइस जेट को स्पॉट करके इंस्टेंटली फिनिश भी किया जा चुका है गाइस. यहाँ पे एहसान की बात करता हूँ तो एहसान की तरफ से लोगान को गिराया जाएगा. विल ही बी एबल टू फिनिश हिम आउट या फिर उनको एक बीटी लग जानी है वहाँ पे. बैक साइड पे शाही की अगर बात करूँ तो वो अपने टीममेट से यहाँ पे स्प्लिटेड है, स्कैटर्ड है. तो डेफिनेटली दे नीड टू गेट रियूनाइटेड ताकि उनका मैन पावर डिवाइड ना हो वहां पे, उनका गन पावर डिवाइड ना हो वहां पे. टीम की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स के जो प्लेयर थे गाइस दैट वाज अ लोगान, उनको फिनिश किया जाएगा. एहसान की तरफ से स्मोक प्रॉपरली यहां पे नहीं दिया गया बाय द टीम में, जिस चीज की वजह से टीम की जो एक कैजुअलिटी होगी, एक डायरेक्ट पुश देखने को मिल सकता है हमें टीम के लिए एहसान की तरफ. एंड एहसान को क्या फिनिश कर पाते हैं या फिर नहीं फिलहाल के लिए. टीम्स की बात करता हूं गाइस तो 16 टीमें सर्वाइव करेंगी. दैट इज गोना बी अ काउंट ऑफ 52 प्लेयर्स फॉर नाउ. एंड ऑलरेडी 17 मिनट जो है गाइस मैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं. तो देखते हैं किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिल सकता है फ्रॉम दोस टीम्स आउट देयर.
टॉकिंग अबाउट द एहसान एहसान ओवर देर, तो एहसान पे पुश किया जाएगा पॉइंट ब्लैक स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। सामने से एक्जॉटिक की बात करूं तो एक्जॉटिक एक नेड को करते हुए नजर आएंगे, एक काउंटर नेड एहसान भी थ्रो करेंगे। फ्रैगर ने क्लोजिंग करने की कोशिश करी थी ऑन द फ्रंट लाइन, बट साही की तरफ से बहुत ही प्यारा कवर फायर प्रोवाइड किया गया। टीम जो है रीयूनाइट होगा यहाँ पे, जिस चीज़ की वजह से मैन की उनकी जो मैन स्ट्रेंथ है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। एक्सॉटिक की बात करूं तो एक्सॉटिक के बिल्कुल सामने हमें साही देखने को मिल रहा है। साही क्या चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे साही की तरफ से, साही की तरफ से क्लोजिंग हुआ था ऑन द फ्रंट लाइन बट उनको फिनिश किया जा चुका है। एहसान की बात करूं तो एहसान को भी फिनिश किया जाएगा। द एक्सोटिक विल बी द वन टू जस्ट फिनिश आउट द टीम फोरेस ओवर देयर, एंड बहुत ही प्यारा गेम प्लान की तरफ से हमें कवर अप करने के लिए मिला है। बहुत ही ज्यादा बी टीम जोन गाइज, बहुत ही ज्यादा तगड़ा जोन यहाँ पे बन चुका है टीम्स के लिए। काफी ज्यादा मल्टीपल फाइट्स हमें कवर अप करने के लिए मिल सकती है। टीम्स की बात करता हूं तो 15 टीमें सर्वाइव कर रही है, दैट इज गोना बी अ काउंट ऑफ 50 प्लेयर्स फॉर नाउ। तो एक बहुत ही बद्दी सी बीटी यहाँ पे टीम्स के लिए जायज लगते हुए नजर आ सकती है। यूचिया की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ उनकी जो ऑलरेडी कैजुअलिटी हुई थी ऑफ दैट ऑफ द क्रेटोस, बट एसटीईएक्स नेक्सस की टीम को एलिमिनेट करने में यहाँ पे कामयाब हुई थी, दैट टू इन द इनिशियल स्टेजेस, दैट इज डेफिनेटली वर्थ एप्रिसिएशन। क्रेटोस की बात करूँ तो क्रेटोस वॉज द वन हु जस्ट डिड दैट फेवर टू हिज टीम ओवर देर, जो यहाँ पे एक मेजर पार्ट प्ले कर पाए टू जस्ट फिनिशिंग आउट द टीम एसटीई एंड एक्सेस ओवर देर। यहाँ पे द टीम स्काइलेक्स वर्सेस द टीम एमवीजी की तरफ लेके चलता हूँ गाइस। तो ल्यूनिटिक को फिलहाल के लिए नॉक किया जा चुका है, आई थिंक उनको फिनिश भी होना पड़ेगा, डेफिनेटली उनको फिनिश किया जाएगा गॉड सेंट के उस ब्यूटीफुल गॉड जैसे नेड की तरफ से। द टीम स्काइलेक्स जो है गाइस एज अ होलमैन स्क्वाड सर्वाइव करते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। सामने से अगर मैं बात करता हूँ टीम की द टीम एमवीजी, तो उनका सिर्फ थ्री मैन स्क्वाड ही वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस चीज की वजह से टीम को जो एक बहुत ही बुरी सी लग सकती है वहां पे। टॉम की बात करूं तो टॉम को एक अच्छा खासा डैमेज तो दिया गया वहां पे, बट आई थिंक फिलहाल के लिए कैजुअलिटी टीम्स कलेक्स की नहीं होगी यहां पे। सामने से बात करता हूं तो टीम एमवीजी की, तो उनके जो ल्यूनिटिक है उनको फिनिश आउट किया जा चुका है, जिस चीज की वजह से टीम का जो एक मेजर कैजुअलिटी हो चुका है। सब जीरो की तरफ लेके चलता हूं गाइस, तो सब जीरो की तरफ से यहाँ पे यूचिहा के जो ओबिटो है उनको गिराया जाएगा। क्या यहाँ पे रिवाइव प्रोवाइड करना एक पॉसिबिलिटी रहेगी या फिर नहीं, बिकॉज वो एक काफी ज्यादा बीटी दे सकता है टीम को, उनकी तरफ से एक बहुत ही बुरी एक बहुत ही तगड़ी बीटी लग सकती है। फिलहाल खेले तो कैसे एनर्जी की तरफ से नाका को भी नॉक किया जा चुका है। टाइगर जिंदा है कि मैं अगर बात करूं तो फिलहाल खेले जिंदा रहेंगे बेचारे अपनी टीम के लिए, डेफिनेटली हिज नेम सजेस्टिंग ऑल, हिज नेम इज जस्ट वर्थ हिज पोजिशन फॉर दिस मोमेंट इन टू हिज टीम ओवर देर। तो ओबिटो को फिनिश आउट किया जाएगा, जिस चीज की वजह से नाका एंड टाइगर जिंदा है को एज अ टू मैन स्क्वाड ही अपनी टीम के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा। डेफिनेटली फिलहाल के लिए इन टू द जोन है, बट लेटर उनको एक बी टी लग सकती है, उनको जो है जोन क्लोजिंग करना पड़ सकता है वहां पे। यहाँ पे बात करता हूँ गाइज द टीम ट्राई आउट की स्क्वाड की, जिनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है आउट ऑफ द जोन यहाँ पे, नो के ब्रिज के थ्रू रोटेशन देने की कोशिश हो रही है टीम की, क्या यहाँ पे कामयाबी से कर पाती है या फिर नहीं। स्टेज की बात करता हूं तो गाइस कैलिक्स के स्टेज को गिराया जा चुका है, एक और बद्दा सा नीड थ्रो किया गया, दैट वाज अ ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द अल्टीमेट फ्यूरी। सेज को फिनिश आउट किया जा चुका है काउंटर नेड की बदौलत। एंड टॉकिंग अबाउट द टीम, तो अब यहाँ पे जो है गाइस 3v3 की फाइट रहेगी बिटवीन दोस टू टीम्स ओवर देयर। तो क्या सिनेरियो रहेगा, क्या यहाँ पे एक अच्छा खासा गेम प्ले टीम स्काइलेक्स दिखा पाती है या फिर उनको एलिमिनेट होना पड़ेगा राइट अवे आउट ऑफ दिस मैच। यहाँ पे एवेंजर ईस्पोर्ट्स की बात करूं तो उनको जैग उनके जो जैगरेड है उनको नॉक करा गया था, बट ही हैज बीन इंस्टेंटली गिवन अ गुड रिवाइवल ओवर देयर। तो उस चीज की वजह से आई थिंक द टीम विल बी हैविंग सम फेवरेबल ओवर देयर। ये रही सब जीरो की टीम। सब जीरो की बात करते हैं जिनके साथ में फिलहाल के फहद पैकमैन और कद्दा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। गॉड किल को अनफॉर्चुनेटली इनिशियल स्टेज में ही फिनिश किया गया, द टीम इज जस्ट विद दैट वन फिनिश फॉर नाउ, एंड इवेंचुअली किस तरीके का गेम प्लान की तरफ से कवर अप करने के लिए मिलेगा, लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल। बात करता हूँ टीम की, तो आई थिंक यहाँ पे टीम्स अगर सामने से बोर्ड के थ्रू क्लोजिंग कर देती एक बीटी दी जा सकती थी टीम की तरफ से। जॉट की बात करता हूँ, जॉट वगैरह यहाँ पे नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे फेरी नूब को, जो यहाँ पे अकेले पर्सन थे, डेफिनेटली दैट इज गोना क्रिएट बीटी फॉर द टीम ओवर द। फेरी नूब को फिनिश आउट भी किया जाएगा डीएक्सएफ के वाइपर के द्वारा। अब यहाँ पे मैं अगर टीम कैंपर्स की बात करूँ तो उनके जो इनसेन नूब है ही इज गोना बी द सोलो वन फॉर हिज टीम। यहाँ पे बात करता हूँ वाइफ 313 के, उनको ड्रैग करने में कामयाब होते हैं, बट कदला यहाँ पे खेल छोड़ाते हुए नजर आएंगे। कदला अपने खाते में गाइस एक और किड ऐड करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे फहद की बात करता हूँ तो फहद को गिराया जा चुका है फिलहाल के लिए। फहद का रिवाइव होना इज गोना बी एन इंपॉर्टेंट सिनेरियो इधर, एंड डेफिनेटली that has to be done। zone फिलहाल के लिए स्कलेक्स वगैरह की टीम को जो मिलिट्री के
जोन साइड पे फिलहाल के लिए मिलिट्री बेस के जोन साइड पे फिलहाल के लिए प्रेजेंट है, उनको फेवर करेगा। रेस्ट ऑफ द फ्यू टीम्स माइट हैव टू क्लोज इन द जोन राइट एसेप, अदरवाइज उनको एक लेटर रन के लिए बीटी लग सकती है। यहां पे मैं अगर चर्सी की बात करूं तो उनको भी रिवाइव प्रोवाइड किया जा चुका है, बट आई थिंक उनके लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो चुकी है बिकॉज जस्ट बिल्कुल सामने उनकी फेस्ट न्यू स्पोर्ट्स की जो टीम है गाइस वो देखने को मिल रही है। रेकी जॉर्ड की बात करूं तो उनको पानी में गिराया जाएगा, चर्सी की तरफ से शायद से एक रिवाइवल प्रोवाइड किया जा सकता है इंस्टेंटली बिकॉज फेस्ट न्यू स्पोर्ट्स को जो है एक आइडिया एक ग्लिम्स मिल चुका है दैट रिवर्स साइड के थ्रू क्लोजिंग करने की कोशिश हो रही है टीम्स के द्वारा, तो उनके लिए एक गेट कीप किया जा सकता है बाय द टीम फेस्ट न्यू स्पोर्ट्स एंड आई थिंक वो एक चीज जो है वो कामयाबी से कर सकती है वहां पे, जिस चीज का पूरा फायदा उठाते हुए नजर आएगी। K40 की स्क्वाड की तरफ लेके चलता हूं जिनका जो पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है गाइस, एंड इनके साथ में हमें नियो लेवेक विस गॉड ड्रोगो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए कोई भी किल नहीं लेके जा चुके हैं बट इंडीड दे हैव नॉट टेकन एनी कैजुअलिटी ओवर देयर एज वेल। लेवेक की बात करूं तो उनको एक अच्छा खासा डैमेज तो पड़ा यहां पर, डेफिनेटली नॉक भी किया जाएगा गनर की तरफ से बिकॉज पॉइंट ब्लैंक रिस्पोर्ट्स उनके लिए एक अच्छा खासा गेट कीप हमें करते हुए नजर आ रही है। गनर के पास में एक हाइट का एडवांटेज भी रहेगा। एक्सोटिक की बात करूं तो एक्सोटिक को लिटरली डॉट एच पी वहां पर रखा जा चुका है। फ्रैगर की तरफ लेके चलते हैं तो फ्रैगर भी एक मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं यहां पे। विजगॉड को भी नॉक किया जाएगा पॉइंट बैक के गनर की तरफ से, जस्ट लाइक आई सेड गनर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन है दैट टू एट द ट्रेड साइड, वो पूरा का पूरा हाइट एडवांटेज उनके पास में है, डेफिनेटली उस चीज का पूरा एडवांटेज उठा रहे हैं। स्कलेस की तरफ लेके चलता हूं गाइस, वहां पे उनकी तरफ से एक और नॉक जो किया जाएगा छोटा भीम को। गॉड नूब की अगर मैं बात करूं तो ही जिस प्रेजेंट आ दैट वेरी पर्टिकुलर कंपाउंड जहां पे टीम स्कालेक्स है, तो क्या उनकी तरफ से उनको बीटी लग सकती है यहां पे? फिलहाल के लिए राइजन को तो नॉक करने में कामयाब होते बट गॉडसेंट ने एक बहुत ही प्यारा कवर अपनी टीम को दिया है वहां पे। टॉम की बात करता हूं तो गाइस टॉम शायद से लोकेशन मिल चुकी है यहाँ पे लास्ट प्लेयर की, दैट्स गोना बी द फ्यूरी। तो क्या फ्यूरी यहाँ पे पुश करेंगे या फिर उनको बीटी लगेगी? फैशन स्पोर्ट्स की टीम यहाँ पे एरिया में तो आई थी बट उनको एनएसजी की तरफ से बीटी लग चुकी है यहाँ पे। एनएसजी स्पोर्ट्स भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हुए नजर आ रही है। स्कलेक्स के राइजन को फिलहाल के एक इंस्टेंट रिवाइवल प्रोवाइड किया जाएगा। लेके चलते हैं ब्रिज कंपाउंड्स पे जहाँ पे जो टीम एवेंजर्स ऑरिजिनल्स की फाइट इनिशिएट होते हुए नजर आ रही है। ऑलरेडी गाइस चार किल्स अपने खाते में लेके जा चुकी है। सामने जो टीम देखने को मिल रहा है दैट्स गोना बी ऑफ द टीम युचिहा, नाका और टाइगर जिंदा है अंडरनीथ दैट ब्रिज, हमें देखने को मिल रहा है स्पॉट करने की कोशिश हो रही है बट फिलहाल के लिए कोई भी एडवांटेज मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। स्कलेक्स की तरफ से यहां पे टीम एमवीजी को एलिमिनेट किया जा चुका है। स्कलेक्स जो है चार फिनिशेस अपने खाते में लेके जा चुकी है बट कैजुअलिटी यहां पे सीज की हो चुकी है, जिस चीज की वजह से टीम को एज अ थ्री मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा यहां पे, जिस चीज की वजह से टीम को जो एक हल्की सी बीटी लगते हुए नजर आ सकती है फॉर अ लॉन्गर रन ओवर देयर। पेशनियों की तरफ लेके चलता हूं जहां उनके मैजिशियन और लिंच को गाइस फिनिश आउट होना पड़ा है। टीम को एज अ टू मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा। जस्ट एट दैट राइट सब्जियो की जो टीम है आउट ऑफ द जोन देखने को मिल रही है, फहद को गिरना पड़ेगा आउट ऑफ द जोन, कदला को गिराया जाएगा। पैकमैन की अगर मैं बात करूं तो पैकमैन एक अकेले सर्वाइवर अपनी टीम के लिए देखने को मिलेंगे, जिस चीज की वजह से टीम को जो है एक बीटी लगते हुए नजर आ सकती है। डेफिनेटली पैकमैन क्या उनको स्पॉट किया जाएगा? स्टिंगर के द्वारा स्पॉट किया जाएगा एंड इसी के साथ में द टीम सब जीरो को लॉबी भेजा जाएगा गाइस। द टीम सब जीरो विल बी गेटिंग एलिमिनेटेड इन दैट वेरी पर्टिकुलर स्टेज। बट स्टिंगर की अगर मैं बात करूं तो उनको ब्लड एक्स की तरफ से नॉक किया जाएगा फ्रॉम द अदर टीम आउट दैट्स गोना बी द टीम ट्राई आउट्स। ऑलरेडी दो किल्स अपने खाते में लेके जा चुकी है द टीम ट्राई आउट्स, पूरा का पूरा स्क्वाड भी सर्वाइव कर रहा है, तो उस चीज का जो पूरा का पूरा एडवांटेज टीम को मिलता हुआ नजर आ रहा है एंड डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ गुड डैम गेम प्ले ओवर देयर पर्टिकुलर सिनेरियो फॉर नाउ। टीम की अगर मैं बात करूं तो टीम की तरफ से क्या ही जबरदस्त गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिला गाइस। एंड एनएसजी स्क्वाड की तरफ लेकर चलते थे, उनके जो स्नैज ओजी है उनको गिराया जा चुका है, अंडरनीथ इट वाटर है फिलहाल के लिए, जिस चीज की वजह से उनको बीटी लग सकती है। सॉरी फॉर दैट थिंग। यहाँ पे पहचान कौन की बात करूं तो पहचान कौन एक अकेले सर्वाइवर अपनी टीम के लिए हमें देखने को मिलेंगे, जिस चीज की वजह से उनको बीटी लग सकती है। स्कलेक्स के टॉम को भी फिनिश किया जा चुका है। राइजन एंड गॉडसेंट जो है एज अ टू मैन स्क्वाड ही अब अपनी टीम के लिए हमें देखने को मिलेगी। नेस नेस सब जीरो, सब जीरो को एलिमिनेट होना पड़ा फॉर ए फ्रोर पॉइंट ब्लैक जिंदाबाद। ओके सो यस टॉकिंग अबाउट दैट टीम, फिलहाल के डीएक्सएफ की स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सर्वाइव करा डिस्पाइट रॉजर को इनिशियल स्टेज में ही फिनिश होना पड़ा था, बट टीम ने जो एज अ थ्री मैन स्क्वाड सर्वाइव करा टिल द टॉप एट पोजीशंस ओवर देयर, डेफिनेटली आई थिंक कुछ और भी सर्वाइव कर सकती है वहाँ पे। ट्रायआउट्स की बात करूँ तो ट्रायआउट्स ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं यहाँ पे डीएक्सएफ के मेंबर्स को, उनकी तरफ कुछ स्प्रे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश हो सकती थी यहाँ पे बट फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला हमें। स्कलेक्स की स्क्वाड की बात करूँ तो उनको जोन क्लोजिंग करना है वहाँ पे, स्नैजोजी को फिनिश आउट होना पड़ेगा। फैशनियो की तरफ से की टीम की अगर मैं बात करूं तो वो जोन क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगी। स्टिंगर जो है बगी के बिल्कुल पीछे बैठे हैं, तो सामने रहेगा टीम एवेंजर ओरिजिनल्स का
टीम, तो डेफिनेटली उनको वहां पे बीटी लग सकती है। यहाँ पे बात करता हूँ स्टिंगर वगैरह की, तो उनकी तरफ से गिराया जाएगा, गॉडसेंट की तरफ से भाफा को गिराया जाएगा, एंड यहाँ पे बात करता हूँ द रेनूब, तो उनको भी यहाँ पे नॉक करने में कामयाबी, एक सफलता जो टीम को मिली। गॉडसेंट को उनका खेल मिलता होना चाहिए, डेफिनेटली उनको जोन जाना है, जोन क्लोजिंग करने में ही भलाई रहेगी। डेफिनेटली देखते क्या सीन है, रेनूब को फिलहाल से फिनिश करेंगे, अपने खाते में खेल्स एड करेंगे। राइजिंग की बात करूँ तो राइजिंग एक अच्छा खासा डैमेज लेके जा चुके हैं, गॉडसेंट को गिराया जाएगा, राइजिंग की तरफ लेके चलता हूँ। तो फिलहाल खेले एक गलत जगह पे है, आउट ऑफ द जोन, आउट ऑफ द स्मोक निकल चुके हैं, कुछ शॉट्स अगर कनेक्ट हो जाते हैं उन पे तो उनको बीटी लग सकती है। फिलहाल के लिए गाइस लेट्स सी क्या सीन है। यस, शॉट कनेक्ट हुआ विशु की तरफ से एंड वहां पे फिनिश आउट होना पड़ा। पहचान कौन की अगर मैं बात करूं तो अंडरनीथ द ब्रिज प्रेजेंट है, एक अच्छा खासा बैक स्टेप कर सकता है टीम के लिए। देखते हैं क्या स्नैरो रहता है, फिलहाल के लिए क्या चीजें इंप्लीमेंट होती है यहाँ पे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टीम, तो फिलहाल के गाइस सिर्फ 6 टीमें सर्वाइव करेंगी, दैट्स अ काउंट ऑफ 15 प्लेयर्स फॉर नाउ, एंड ऑलरेडी 28 मिनट मैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। डीएक्सएफ की स्क्वाड ने टॉप 6 में यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है गाइस। अब लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम ट्रायआउट्स की तरफ, जिनका पूरा का पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है। फैशनियो की बात करूं तो वो एलिमिनेट हो चुकी है ऑलरेडी। द पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स की टीम की बात करते हैं गाइस, उनका भी 3-man स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है। फ्रैगर को काफी डैमेज यहाँ पे पड़ा जरूर से, बट फिलहाल के लिए सेफ है, एंड आई थिंक एक अच्छा खासा गेम प्ले उनकी तरफ से हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। गनर को घेराया जाएगा गाइस, शायद ये गनर को फिनिश भी करा जा सकता है, एंड यस ही हैज बीन फिनिश्ड आउट। एक्सोटिक को नॉक किया जाएगा, दैट ऑल बाय द टीम ट्रायआउट्स के साकिब की तरफ से, एक बहुत ही प्यारा सा गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। शायद यहाँ पे खेल चोरी करने की कोशिश टीम एवेंजर्स की तरफ से हमें देखने को मिल सकता था। यस, वो खेल चोरी होगा मैडवर्क की तरफ से, एंड 12 फिनिशर्स गाइस टीम एवेंजर ओरिजिनल्स जो है अपने खाते में लेके जा चुकी है। क्या ही जबरदस्त गेम प्ले हमें इनकी तरफ से कवर अप करने के लिए मिला, डेफिनेटली दैट वॉज अ गेम सेंस वर्थ टू बी सीन ओवर देयर, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ स्ट्रैटेजी ओवर। अब बात करता हूं टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की, तो उनका जो रेनूब है वो इन स्टेज में ही फिनिश आउट हो चुका है, जिस चीज की वजह से टीम को एज अ 3-man स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा। विशु की तरफ से बहुत ही प्यारा जबरदस्त नीड थ्रो हुआ साकिब की तरफ, आई थिंक फिनिश भी होना पड़ेगा एक्स फोर स्मोक्स की उस नीड के द्वारा, एक और नीड थ्रो किया जाएगा बट आई थिंक दैट विल बी ऑफ नो यूज। ब्लड एक्स की बात करूं तो उनको स्पॉट करके फिनिश किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आउट ऑफ द जोन काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए नजर आ रहे हैं, ही हैज टू गेट इनटू द जोन। विशु स्पॉट कर चुके हैं, विशु वो किल लेते हुए नजर आएंगे। द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स एक बीस्ट गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रही है गाइस। यहाँ पे दोस्ती एक्स बूथ को भी स्पॉट किया गया, उनको फिनिश किया जा चुका है, एंड द टीम दैट इज ट्रायआउट्स उनको फिलहाल के लिए लॉबी भेजा जाएगा एट दिस वेरी पर्टिकुलर स्पॉट। बात करता हूँ गाइस द टीम WRT की, जो KS तामू है वो एक अकेले सर्वाइवर रहेंगे, पहचान कौन NSG के एक अकेले सर्वाइवर रहेंगे, एंड इट इज गोना बी अ 3-man स्क्वाड फ्रॉम द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स ओवर देयर। तो आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस बने हैं ऑफ द टीम एवेंजर ओरिजिनल्स टू टेक दट ब्यूटिफुल चिकन डिनर राइट अवे इन टू दिस वेरी पर्टिकुलर गेम, इन टू दिस पर्टिकुलर मैच, दैट टू द फर्स्ट मैच ऑफ द सेमी फाइनल्स। डेफिनेटली दैट विल बी अ गुड डीड फॉर देम। बात करता हूँ द टीम दैट्स गोना बी द एवेंजर्स ओरिजिनल्स, तो गई 17 फिनिशेस वो भी सेमीफाइनल की लॉबी में लेकर जा चुकी है, दैट टू इन दिस फर्स्ट मैच, दैट इज वर्थ अप्रिसिएशन। बट उनके मैडवर्क को वहां पर फिनिश किया जाएगा, बैक स्टैब किया जाएगा टामू की तरफ से, एक कैंप किल देते हुए, बट डेफिनेटली दे हैव जस्ट गेट दे हैव टू गेट सम किल्स, बी इट एनी कैंप और वट एवर इट इज, बट वी शू स्पॉट करेंगे फ्लैंक करके, एंड डेफिनेटली उनकी तरफ से फिनिश भी किया जाएगा। अल्टीमेटली इट्स गोना बी अ 1v2 फाइट। क्या यहां पे पहचान को उनकी तरफ से हमें क्लच देखने को मिल सकता है, कैन ही डू दैट 1v2 टू द टीम एवेंजर ओरिजिनल्स, एंड कैन ही क्रिएट दैट हिस्ट्री, कैन ही गिव दैट कर्स टू द टीम एवेंजर ओरिजिनल्स, या फिर टीम एवेंजर ओरिजिनल्स एक 19 किल चिकन डिनर लेके जाएगी यहां पे। डेफिनेटली लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है, पहचान कौन हैज दैट फ्री ग्लिम्स टू गेट दैट किल इनटू हिज फेवर। आई थिंक ऑलरेडी साउंड आ चुका है यहाँ पे मोक्ष को, बट आई थिंक नो ही हैज नॉट गॉट दैट साउंड ओवर देयर। पहचान कौन की तरफ से उनको गिराया जा सकता था गाइस, देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। दोनों के दोनों प्लेयर्स साइमल्टेनियसली पुश करेंगे उनकी तरफ, एंड यहाँ पे द टीम एवेंजर ओरिजिनल्स गेटिंग देयर 19 किल चिकन डिनर राइट अवे एट द एंड। What a fabulous, what a beast aggressive gameplay over there by the team Avenger Originals overall. Especially अगर मैं विशु की बात करूं guys, he is the one to take that 10 alone finishes. Madvrak is gonna be the one to take that 7 damn finishes, and Moksh was able to get the 2 finishes. Guys, 3-man squad ही एक beast gameplay मैं दिखाता हुआ नजर आया definitely. And बात करूं टीम की तो 19 skill के साथ में एक अच्छा खासा chicken dinner लेके जा चुकी है। At the second position, it's going to be the team NSG with a count of 6 over there. Third position pe the team WRT with a count of 4 over there. Fourth position pe the team Point Black Esports with a count of 6 over there. Fifth position pe the team Tryouts with a count of 3. Sixth position pe DXF with a count of 2 overall.
सेवेंथ पोजीशन पे द टीम स्कालेक्स विद द काउंट ऑफ सिक्स ओवर ओवर दैट पर्टिकुलर पोजीशन. एट्थ पोजीशन पे गाइस द टीम फेस्टिनियो ईस्पोर्ट्स विद द काउंट ऑफ फाइव फिनिशेस. नाइन्थ पोजीशन पे द टीम सब जीरो विद द काउंट ऑफ थ्री फिनिशेस. टेंथ पोजीशन पे द टीम यूचिहा ईस्पोर्ट्स विद द काउंट ऑफ फाइव फिनिशेस ओवरऑल. इलेवंथ पोजीशन पे गाइस द टीम एमवीजी विद द काउंट ऑफ टू फिनिशेस. ट्वेल्थ पे द टीम के फोर्टी विद जीरो. थर्टींथ पे द टीम एवेंजर्स विद वन. फोर्टींथ पे द टीम Spartans with the team campers with the count of one overall. 15th position pe the team 313 with the count of zero. 16th position pe the team 4S with the count of one. 17th pe the team Toxic Esports with the count of one. And unfortunately the team STEX Nexus was the one to get eliminated at that particular stage into the initial stage with just one finish overall. Start of the match ki baat kare, definitely it's gonna be the Vishu with those 10 beautiful damn finishes overall. The point black esports exotic is going to be the best companion with three revivals and a single assist, and Vishu is also going to be the finisher of this match right away. Kya hi zabardast gameplay jo hai guys hame यहाँ पे कवर अप करने के लिए मिला फ्रॉम द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स. एंड डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा वाह मज़ा आ गया गाइस. आई कैन से दैट वाह 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 मज़ा आ गया गाइस. एंड डेफिनेटली दैट वाज अ बीस्ट. दैट वाज अ फैबुलस गेम प्ले बाय द टीम ओवरऑल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट मी जस्ट क्रिएट द अदर रूम दैट हैज टू बी प्लेड बैक इन टू द एरेंगल. दूसरा मैच रहेगा गाइस सेमीफाइनल्स का. एंड लेट जस्ट क्रिएट इट एंड गेट बैक टू यू सून. तब तक के लिए गाइस कहीं मत जाएगा. स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. अकेब सबजार बाई स्ट्रीम बफर क्यों हो रही है. एक काम करो ब्रो प्रिंट प्रिंट जो है 1080 अगर रखा है तो 720 रखो. 720 अगर रखा है 480 रखो. इट विल बी ओके. ये हो जाता है कभी कभार. सो फिलहाल क्या आई बी गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक गाइस.
सो गाइज वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। दूसरा और आखिरी मैच जो यहाँ पे गाइज स्टार्ट हो जाना है इन अ मोमेंट, और सॉरी नॉट द आखिरी वन, द सेकेंड लास्ट वन आउट देयर स्टार्ट हो जाना है। आप दैट हैज टू बी प्लेड बैक इन टू द एरेंगल। फिलहाल के टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो गाइज 68 प्लेयर्स हैव जस्ट जॉइंड ओवरऑल। यहाँ पे बात करता है टीम 313 की, तो उनका पूरा का पूरा स्क्वाड आ चुका है। द टीम एवेंजर्स का गाइज 3-man स्क्वाड आ चुका है फिलहाल के लिए। द टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है। एनर्जी स्पोर्ट्स, द टीम पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स, एमवीजी ईस्पोर्ट्स, कलेक्स ईस्पोर्ट्स का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है। यूजीआई ईस्पोर्ट्स का 3-man स्क्वाड फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूआरटी की स्क्वाड की बात करूं तो उनका भी पूरा स्क्वाड आ चुका है गाइज। द 3-man स्क्वाड इज ऑफ द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स एज वेल। बात करते हैं एसटीईएक्स नेक्सस की, तो उनका भी 3-man स्क्वाड ही फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। टॉकिंग अबाउट द टीम डीएक्सएफ, तो उनका भी गाइस पूरा स्क्वाड आ चुका है। यहाँ पे फ्रेश न्यू स्पोर्ट्स का भी पूरा स्क्वाड आ चुका है। K40, 4S, सब जीरो, द टीम ट्रायआउट्स एंड टॉकिंग अबाउट द टीम कैंपर्स, तो उनका भी गाइस पूरा का पूरा स्क्वाड आ चुका है फिलहाल के लिए। ऑल ऑफ दोज टीम्स हैज कंप्लीटली जॉइंड ओवरऑल। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस मैच, एंड दूसरा मैच जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दैट हैज टू बी प्लेड बैक इनटू द एरेंगल। तो देखते हैं किस टीम की तरफ से हमें किस तरीके का गेम प्ले कवर अप करने के लिए मिलेगा, एंड कौन सी टीम इस वाले मैप में जो है, इस वाले मैच में जो है पर्टिकुलरली चिकन निकाल के जा पाती है। फिलहाल के लिए प्रीवियस मैच में एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेम प्ले हमें गाइस देखने को मिला था फ्रॉम द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स ओवर देयर, इन बहुत ही बीस्ट फैबुलस एक एग्रेसिव गेम प्ले उनकी तरफ से कवर अप करने के लिए मिला वहां पे। दैट वाज अ 19 किल चिकन डिनर गाइस। सो फिलहाल के लिए लेट्स कंटिन्यू विद दिस मैच टू फॉर नाउ, एंड गाइस अभी फिलहाल के लिए 20 की वॉचिंग हो रही है एंड सिर्फ 21 लाइक्स है, तो जल्दी से लाइक का बटन ठोक दो गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को। थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार दिखाइए अपने भाई को भी, एंड डेफिनेटली विल बी ब्रिंगिंग सम मोर टूर्नामेंट्स लाइक दिस फॉर यू गाइस। तो फिलहाल के लिए गाइस दिस टूर्नामेंट इज बीइंग स्पॉन्सर्ड आउट बाय द लूसिफर वाईटी ओदर, तो उनको फॉलो करना ना भूले ऑन द इंस्टाग्राम shahab_ashraf के नाम से। ओके सो गाइज यहाँ पे बात करते हैं प्लेन पाथ की, तो जो है प्लेन पाथ गाइज जाता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द फेरी पायर एरिया टुवर्ड्स द सिवर्नी। टीम्स की अगर मैं बात करता हूँ गाइज यहाँ पे, तो डेफिनेटली देखते हैं क्या स्नैरो रहता है, कौन सी टीम कहाँ जाना प्रेफर कर सकती है। शायद से एवेंजर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आज इस बार क्या सिवर्नी जाएंगे या फिर प्रिमोस, बिकॉज दोनों का दोनों जो प्ले स्पॉट है उनका एक फेवरेट स्पॉट रहेगा प्रिमोस का भी एज वेल एज ऑफ द सिवर्नी एज वेल, तो देखते हैं कहाँ जाना प्रेफर करेंगे फिलहाल के लिए। टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फ्यू टीम्स ओवरऑल, यहाँ पे जस्ट लाइक पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट्स की टीम की बात करूँ जो ग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे टुवर्ड्स द मिलिट्री बेस एरिया, जहाँ उनके साथ में एक और टीम जो हमें देखने को मिलेगी डेफिनेटली एज यूजुअल दैट्स गोना बी द टीम 4S, तो देखते हैं इनकी तरफ से भी कैसा क्या गेम प्ले हमें गाइस कवर अप करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जस्ट लाइक मैं बात कर रहा था एवेंजर ईस्पोर्ट्स की जो टीम है गाइस आज इस वाले मैच में जा चुकी है टुवर्ड्स द प्रीमोस एरिया रादर दैन दैट ऑफ द सिवनी, एंड यहाँ पे जो तीसरी टीम हमें गाइस देखने को मिल रहा है दैट्स गोना बी ऑफ द टीम एमवीजी, तो देखते हैं वो टीम भी कहाँ जाते हुए नजर आएंगी एंड इनकी तरफ से भी किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलेगा। लेकिन चलते हैं टुवर्ड्स द टीम डब्ल्यूआरटी एज वेल। डब्ल्यूआरटी की स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड है वो हमें देखने को मिल रहा है इनटू द क्यूरी एरिया, फिलहाल के लिए एट अ सेफ साइड ही रहेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं टीम ट्रायआउट्स की बात करूँ तो उनके जैसे सामने एक फ्री किल आ चुकी है दैट ऑफ द डब्ल्यू आर टी सिवेज, इफ दे आर एबल टू गेट देयर गन्स राइट अवे तो डेफिनेटली उनको कुछ किल्स उनको एक किल फ्री किल मिलते हुए नजर आएगी ही आएगी, अदरवाइज एक मास डिस्ट्रक्शन उनके लिए क्रिएट हो सकता है। ओवर टू द टीम्स प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल एंड जॉर्जो सिटी एरिया हुआ था, तो जॉर्जो सिटी यहाँ पे जाते हुए नजर आ रही है द टीम कैंपर्स, आई डोंट थिंक इनका भी पूरा का पूरा स्क्वाड वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, इनके लिए कोई भी बीटी फिलहाल के लिए नहीं रहने वाली है। K40 की स्क्वाड की बात करूँ तो वो एज यूजुअल जाते हुए नजर आएंगे टुवर्ड्स द जॉर्जो अपार्टमेंट एरिया, फिलहाल के लिए टीम इज एट अ सेफ साइड, एंड उनके जो सामने ही हमें टीम डीएक्सएफ का पूरा स्क्वाड गाइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हवा में शॉट्स कनेक्ट हुए, डेफिनेटली बहुत ही प्यारे शॉट्स कनेक्ट किए गए, आई थॉट इट वाज ऑलमोस्ट अ पैराशूट नॉकआउट होते, बट फिलहाल के लिए सेफर साइड पे रहेंगे। यहाँ पे एनर्जी के स्क्वाड की बात करूँ तो वो अपने ही फेवरेट स्पॉट पे जाएंगे एंड दैट्स गोना बी द जर्की, फिलहाल के लिए जो टीम है आई थिंक उनके साथ में कोई भी बीटी उनके साथ में कोई भी जो फाइट है सीनारियो नहीं रहेगा। टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स की बात करूँ तो अपने ही फेवरेट ड्रॉप लोकेशन पे जा चुके हैं एंड दैट्स गोना बी द वॉटर सिटी फॉर नाउ, एंड इनका भी पूरा का पूरा स्क्वाड वहाँ पे गाइस देखने को मिल रहा है। 313 की तरफ लेके चलते हैं जहाँ उनका जो स्कूल एंड स्कूल अपार्टमेंट में देखने को मिल रहा है स्क्वाड, तो देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है इनका एंड किस तरीके का गेम प्लान की तरफ से हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा।
ओके सो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फ्यू अदर टीम्स जैसे यू जैक स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे जो इनके साथ में मेंबर देखने को मिल रहा है दैट्स गोना बी ऑफ द टीम सीई पावर ओवर देयर. तो क्या सिनेरियो रहेगा, आई थिंक एक नई रिक्रूटमेंट फिलहाल के लिए इस मैच में इनके लिए हमें देखने को मिल रही है. बात करते हैं फैशनियो स्पोर्ट्स की, तो इनके जस्ट सामने हमें जो टीम है हमें कहीं फार्म एरिया में जाते हुए नजर आ रही है. आई थिंक द टीम इज डेफिनेटली गोना बी एट अ सेफर साइड फिलहाल के लिए. एड्रॉइड लिंच फाफा और मैजिशियन इनके साथ में खेलते हुए नजर आएंगे. बात करते हैं मिल्टा की, तो मिल्टा में जो गाइस हमें टीम देखने को मिल रहा है इट्स एज यूजुअल गोना बी द टीम सब जीरो ओवर देयर जिनका भी पूरा स्क्वाड हमें फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है वहाँ पे. यसनाया पुलियाना की तरफ लेकर चलता हूँ गाइस, जहाँ पे जो टीम हमें देखने को मिल रही है इट्स गोना बी नन अदर देन द टीम STEXX नेक्सस ओवर देयर. फिलहाल से इनका भी गाइस पूरा का पूरा स्क्वाड जो है वहाँ पे देखने को मिल रहा है. फिलहाल के लिए कोई भी बीटी जो है टीम की नहीं रहने वाली है. सायरान इज लव, थैंक यू सो मच मिर्जा भाई. हमें स्लॉट में कौन रैंडम आया, किसके स्लॉट में फिदा अनिपाजी ना चाहे वन इसमें ये तुझे इसमें बोलना चाहिए था ना मैनेजमेंट ग्रुप में. मैंने कहा छिपाई क्रिमसन टीम में कुछ बुमा था वक्त दूसरा था प्लेयर याद भाई सब लाइक करो इसलिए तो ये करा है मैंने मतलब बोला है अगर केक रिक्वेस्ट वगैरह होगी वो मैनेजमेंट ग्रुप में बोलना है. चलो कोई ना ब्रांड दो. ओके सो यहाँ पे बात करते हैं द मिलिट्री बेस इराकी, तो वहाँ पे जो टीम फोर एस के न्यू प्लेयर फिर से इनिशियल स्टेज में ही फिनिश आउट हो चुके हैं. सामने जो गाइस टीम हमें देखने को मिल रही है दैट्स गोना बी द टीम MVG, तो आई थिंक इनका एक 4v4 फाइट हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा. सिवनी की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो सिवनी में जो टीम हमें देखने को मिली है वहाँ पे इट्स गोना बी द टीम स्कालेक्स का पूरा स्क्वाड वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. एंड फिलहाल के लिए जो टीम है गाइज वो कोई भी बीटी नहीं ले चुकी है बिकॉज टीम इज डेफिनेटली गोना बी एट अ सेफर साइड फॉर नाउ. इनके साथ में कोई भी टीम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहने वाली है भाई. सी पावर है छो रैंडम मैं छन पाए मेरे को कहाँ पता है ब्रो ये रैंडम है कि नहीं. अब मत दूसरा प्लेयर याद चल अब रहने दे. तू क्या तू मैच में नहीं आया है, नाका नहीं है मैच में, नाका तो इस मैच में आ करियो स्ट्रीम स्नाइप डाल दो. ओके सो यहाँ पे बात करते हैं द अदर टीम दैट्स गोना बी द टीम ट्राई आउट, जहाँ उनके नॉट साकिब को फिनिश आउट किया जा चुका है. ब्लड एक्स की बात करूँ तो उनको भी नॉक किया जा चुका है. सामने का जो टीम हमें देखने को मिल रहा है इट्स गोना बी द टीम WRT, जहाँ उनके सिवेज और शेडी फिनिश आउट हो चुके हैं. टामो को नॉक किया जा चुका है. स्पेक्ट्रा एक सोलो पर्सन अपनी टीम के लिए रहेंगे डेफिनेटली. इस वाले मैच में भी एक बहुत ही बुरी बीटी लग चुकी है द टीम WRT को. डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा. फाइनल्स में इन्वाइटेड है कोई, फाइनल्स में नहीं ग्रैंड फाइनल्स में मैं बताता हूँ. ग्रैंड फाइनल्स में है ऑटोबॉट्स, द हाइड्रा स्पोर्ट्स, सोल, गॉडलाइक और रिकनिंग स्पोर्ट्स है, OR है और इग्निटन है और भी दो चार टीम्स है. टोटल है 11 टीम्स जो टॉप नेशनल इंडियन टीम्स है उनमें से 11 टीम्स है जो ग्रैंड फाइनल्स में इन्वाइटेड है. पूरा का पूरा एक ग्रुप मान लो. तो गाइस यहाँ पे मैं बात करता हूँ द टीम WRT की स्क्वाड की, जो स्पेक्ट्रा है वो फॉल बैक करना ही प्रेफर कर रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ पे मजबूरी ही है उनको फॉल बैक करना बिकॉज उनकी टीम को बीटी लग चुकी है. उनके तीनों के तीनों प्लेयर्स फिनिश आउट हो चुके हैं वहाँ पे. ओवर टू द टीम फोरेस्ट, जहाँ उनको भी एक बीटी लग चुकी है. साही की तरफ अगर कुछ शॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे डेफिनेटली उनको गिरना पड़ सकता है, उनको ड्रैग किया जा सकता है आउट ऑफ हिज बगी फॉर नाउ. स्पाइस जेड की बात करता हूँ गाइस, स्पाइस जेड जो है सोलोली ऑन टू दैट लेफ्ट देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी चेज करके स्पॉट करके फिनिश आउट किया जा सकता है. देखते हैं क्या सीनरी रहता है. साही की मैं अगर बात करूँ तो साही के यहाँ पे डैम फ्लैंक ट्राई करेंगे या फिर नहीं, बिकॉज स्पाइस जेड ने भी वहाँ पे फॉल बैक करना प्रेफर करा है. तो फोरेस्ट की टीम को भी कहीं ना कहीं गाइस एक बीटी जो है लगते हुए नजर आ रही है इस वाले मैच में. फिलहाल के लिए 3v3 की तरफ लेके चलते हैं, जो अपार्टमेंट एरिया में स्कूल अपार्टमेंट एरिया में गाइस प्रेजेंट है. इनका भी पूरा का पूरा स्क्वाड हमें देखने को मिल रहा है वहाँ पे. इनके साथ में KMR उजैर, YFM 313, AGH उस्मान और उस्मान जॉर्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरह. ओके STE एंड नेक्सस की बात करूँ तो इनका जो नेक्सस की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड वहाँ पे सेफर साइड पे है फिलहाल खेल. बट टीम जो है फिलहाल खेल आउट ऑफ द जोन प्रेजेंट है, तो दे नीड टू गेट इनटू द जोन एंड डेफिनेटली फिलहाल खेल जो है सी कंपार्टमेंट्स में लूट करते हुए नजर आएंगे. फोरेस्ट की स्क्वाड ने यहाँ पे फॉल बैक करना ही प्रेफर करा है. आई थिंक डेफिनेटली दैट इज अ गुड डिसीजन फॉर द टीम ओवर दैट नॉट गेट एनी फॉर द बीटीज. एंड यहाँ पे सामने मैं बात करता हूँ पॉइंट ब्लैक स्पोर्ट्स की टीम का, तो वो देखने को मिल रही है उनकी तरफ से शायद से अगर स्पॉट करा जाता तो शायद से एक बीटी दे सकती थी टीम को. मैं अगर पॉइंट ब्लैक स्पोर्ट्स की बात करूँ तो इनके साथ में हमें गाइस लोगान, फ्रैगर, गनर और एक्सोटिक जो है खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इनकी टीम एज अ होल में स्क्वाड प्रेजेंट रहेगी. फोरेस्ट की स्क्वाड ने यहाँ पे एक गलती कर दी दैट टू कम इन टू द एरिया ऑफ कैन से नो रेपनाई, जिस चीज़ वैसे उनको बीटी लग सकती है. साही ने गिराज में स्पॉट करा दैट UH को, तो साही ने फॉल बैक करना प्रेफर करा है यहाँ पे गाइज.
आई थिंक यहाँ पे व्हीकल होल्ड ऑन कर सकते हैं या फिर फॉल बैक करना प्रेफर कर सकते हैं लेची। आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली दे विल बी फॉलोइंग बैक एंड दैट इज गोना बी अ ग्रेट डिसीजन फॉर द टीम दैट हैज़ टू बी डन एसेप। अदरवाइज यहाँ पे टीम को जो है एक बीटी लग सकती थी, उनको जो है गाइज यहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ सकता था फिलहाल के लिए। ओके सो फ्यू अदर टीम्स जस्ट लाइक यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यू आर टी के जो स्पेक्ट्रा है गाइस, जो सोलो पर्सन है अपनी टीम खेले, आई थिंक उनको स्पॉट करके अगर फिनिश कर पाती है कोई भी टीम तो डेफिनेटली डब्ल्यू आर टी को एक बहुत ही बुरी बीटी लगेगी। दे विल बी द फर्स्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर मैच फॉर नाउ। एवेंजर ई स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रिमोस के एरिया से निकल चुकी है गाइस, जहाँ पे जो जोन जहाँ पे जो टीम है क्लोजिंग करते हुए नजर आ गई टुवर्ड्स द टीम ट्रायआउट्स की तरफ। जहां ट्रायआउट्स की मैं अगर बात करूं तो उनके नॉर्थ साग भी कुछ इनिशियल स्टेज में ही फिनिश किया जा चुका है। एवेंजर ईस्पोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूं गाइस तो अपसर्ज जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुके हैं यहाँ पे। एंड बात करता हूँ टीम की तो आई थिंक ही विल बी हीलिंग आउट फिलहाल के लिए। 4v3 जो फाइट है गाइस वो हमें देखने को मिलेगी टीम के साथ में। देखते हैं इनका क्या सिनेरियो रहता है, किस तरीके का गेम प्ले इनकी तरफ से हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। ओवर टू द अदर टीम जैसे लाइक यहाँ पे लेके चलते हैं टूवर्स द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल की तरफ से, जो एक बीस्ट गेम प्ले दिखाने में कामयाब हुई थी इससे पहले वाले मैच में। तो पूरा का पूरा स्क्वाड गाइस इनका प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे। एंड फिलहाल के लिए आई थिंक रियून साइड पे क्लोजिंग करने की कोशिश हो रही है टूवर्स द टीम टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स, जो वाटर सिटी के एरिया में फिलहाल के लिए होल्ड जो है करते हुए नजर आ रही थी। सिवनी की बात करूँ जहाँ पे टीम्स कलेक्स ईस्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रही थी, आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं एक रोटेशन देना चाह रही है आउट ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर स्पॉट फॉर नाउ, बिकॉज टीम को एक बीटी नहीं चाहिए बिकॉज दे डू वांट टू गेट सम किल्स इनटू दिस वेरी पर्टिकुलर मैप। इससे पहला वाला भी इनके लिए कुछ खास नहीं गया था तो डेफिनेटली दे हैव टू डू अ बेटर पोजिशन फॉर द टीम आउट दे हैव टू प्ले अ गुड गेम सिंस ओवर फॉर द टीम राइट अवे। यहाँ पे जस्ट लाइक बात करते हैं द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तो वाटर सिटी के काफ़ी ज़्यादा करीब है, इनफैक्ट वाटर सिटी में आ चुके हैं, वाटर सिटी के स्क्वाड में प्रेजेंट देखने को मिल रही है। एंड आई थिंक टीम यहाँ पे फॉल बैक करना प्रेफर करेंगी, टीम का क्या सिनेरियो रहेगा डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी डन। एंड देखते हैं क्या ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन इनकी तरफ से हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए टीम ट्रायआउट्स वर्सेस द टीम एवेंजर्स की तरफ ही लेके चलेंगे जो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। यहाँ पे जो गाइस 4v3 की फाइट है वो देखने को मिलेगी बिकॉज टीम ट्रायआउट्स के जो नॉट साकिब है उनको इनिशियल स्टेज में ही फिनिश किया जा चुका था, जिस चीज़ की वजह से टीम को एक बीटी एक मैन पावर जो है एक थोड़ा सा कम पड़ सकता है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड दे माइट हैव टू फेस सम इश्यूज, दे माइट हैव टू फेस सम ट्रबल्स राइट अवे। रुजॉक की बात करता हूँ जहाँ पे टीम टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स कंप्लीटली आ चुकी है एंड उनको चेज करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे फ्रॉम द अदर टीम दैट्स गोना बी द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तरफ से। क्या सिनेरियो रहेगा गाइज इनका एंड लेट्स सी क्या ये चीज़ें अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर पाते हैं यहाँ पे या फिर फिलहाल के लिए नहीं। यहाँ पे बात करता हूँ तो टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स की टीम की तो वो फिलहाल के लिए थ्री साइडेड साइड पे फिलहाल के लिए थ्री बिल्डिंग साइड पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। एंड जो टीम है गाइज वो फिलहाल के लिए एक अच्छे खासे स्पॉट पे रहेगी। टू द टीम्स प्रेजेंट इन द जॉर्ज अपार्टमेंट एरिया तो वहाँ पे गाइज K40 की टीम है, उनके जो ड्रोगो है वो एक फ्लैंक ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं टूवर्ड्स द टीम डी एक सिर्फ। इज ही गोना डू दैट सेफली या फिर उनको स्पॉट करके इंस्टेंटली फिनिश भी किया जाएगा बिकॉज ही इज जस्ट ट्राइंग दैट सोलो फ्लैंक, जिस चीज़ की वजह से आई थिंक डेफिनेटली अगर उनको स्पॉट किया जाता है अगर उनको नॉक किया जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा पूरी बीटी लग सकती है वहाँ पे। फिलहाल के लिए जॉर्ज अपार्टमेंट में यहाँ पे गाइज 4v4 जो फाइट है बिटवीन द टीम K40 एंड द टीम DXF हमें कवर अप करने के लिए मिल सकती है। देखते हैं किस टीम की तरफ से कैसा क्या सिनेरियो रहता है। ओके तो टू द फ्यू अदर टीम्स एज वेल जैसे लाइक यहाँ पे जोन की अगर मैं बात करूँ तो जोन श्रिंकिंग करना स्टार्ट कर चुका है। सब जीरो की टीम ने भी यहाँ पे जो है जोन क्लोजिंग करने को प्रेफरेंस दी है। सब जीरो की स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल के लिए कोई भी फिनिश लेने में तो कामयाब नहीं हुई है बट आई थिंक दे माइट बी गेटिंग सम फिनिशेज एज सून एज पॉसिबल। डेफिनेटली दे नीड टू डू इट अदरवाइज टीम को बीटी लग सकती है, टीम माइट नॉट बी एबल टू क्वालिफाई टू द नेक्स्ट स्टेज आउट देयर बिकॉज इससे पहले वाले मैच में भी अच्छी खासी बीटी जो है टीम को लग चुकी थी। जोन की अगर मैं बात करूँ तो जोन फेवरेबल रहेगा यहाँ पे टूवर्ड्स द टीम्स प्रेजेंट इन द जॉर्जो अपार्टमेंट एरिया एंड द अपर एरियाज ऑफ जॉर्जो अपार्टमेंट ओवर देयर। तो लेट्स सी क्या सिनेरियो क्या चीज़ें हमें कवर अप करने के लिए मिलती है वहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे बात करते हैं गाइस द टीम दैट इज द एवेंजर्स ई स्पोर्ट्स जहाँ आई थिंक वो ऑलरेडी जोन क्लोजिंग कर चुके हैं ऑलमोस्ट एंड अपसर्ज विल बी राइट अवे आउट ऑफ द जोन, उनके सामने हमें देखने को मिल रही है द टीम दैट्स गोना बी द ट्रायआउट्स ओवर देयर। तो आई थिंक ट्रायआउट्स के साकिब की तरफ यहाँ पे स्प्रे शॉवर करने की कोशिश हो सकती है, उनको गिराया जा सकता है आउट ऑफ हिज व्हीकल। विल ही बी एबल टू डू दैट या फिर नहीं फिलहाल के लिए। बात करते हैं साकिब की तो साकिब की तरफ कुछ स्प्रे शॉट कनेक्ट किए जाएंगे डेफिनेटली। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्प्रे
by the upsurge over there. That was a beautiful tracing over there. That was a beautiful spray over there. एंड किस तरह कैसे प्रॉपर ट्रेसिंग की तरफ से उनको गिराया गया, इंस्टेंटली फिनिश भी किया जा चुका है. किल अपने खाते में टीम एवेंजर ईस्पोर्ट जो है ऐड करते हुए नजर आएंगे विद ईज विदाउट एनी ट्रबल्स ओवर देयर. यहाँ पे DXF की स्क्वाड की तरफ लेके चलते हैं गाइस, जिनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड है वो सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है. DXF के वाइपर रहेंगे, थंडर है, जॉट और रॉजर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इनका जो स्क्वाड है गाइस वो एज अ होलमैन स्क्वाड वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. एंड इनकी तरफ से क्या इंप्लीमेंटेशन रहती है, एंड K40 का जो स्क्वाड है वो एक अच्छे खासा फाइट इनके साथ में लेके जा सकते हैं. STEX नेक्सिस की तरफ लेके चलता हूँ, जो सिवनी के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं. शायद से इनका एक पुश हमें सिवनी की तरफ देखने को मिल सकता था, एंड जहाँ पे ऑलरेडी टीम स्कलेक्स होल्डिंग करते नजर आ रही थी, तो टीम STEX Nexus versus the team Skylex हमें शायद से कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता था वहां पर. Over to the team UTI Esports. तो UTI Esports की जो टीम है गाइज, इनका एक पूरा का पूरा स्क्वाड देखने को मिल रहा है, बट आई थिंक सम रैंडम पर्सन है जस्ट ग्लाइडेड इनटू देयर पर्टिकुलर आई कैन से लाइनअप ओवर देयर. And that's gonna be the TCE power. 313 की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ की जो फाइट है टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स के साथ में इनिशिएट हो चुकी है. क्या यहाँ पे टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स ब्रीटी लेते हुए नजर आ रही है या फिर नहीं फिलहाल खेले. डेफिनेटली आई थिंक ओनली द फर्स्ट वन वॉज द लकी वन फॉर द टीम ओवर देयर. यहाँ पे बात करते हैं रेनूब की, तो उनको भी गिराया जा चुका है. डेफिनेटली दैट्स अ बिग ट्रबल फॉर द टीम ओवर देयर. एक अकेले सर्वाइवल इट्स गोना बी द फ्रीक फॉर हिज टीम. तो डेफिनेटली एक टीम को जो है बहुत ही बुरी सी बीटी लग चुकी है. दे वर द ब्यूटिफुल चिकन टिकर टेकर्स ऑफ द प्रीवियस मैच ओवर देयर विद अ ब्यूटिफुल किल काउंट ऑफ 19, बट इस वाले मैच में शायद से उनको एक बीटी लगते हुए नजर आ रही है गाइज. ओके सो ओवर टू द टीम 313, वो फिलहाल के लिए तीन फिनिशर्स अपने खाते में ऐड करेंगे विदीज विदाउट एनी ट्रबल्स ओवर देयर. उस्मान जॉर्ड की तरफ से पैन किया जा चुका है रिन्यूब को. यहाँ पे लेके चलते हैं लेवेक की तरफ, तो लेवेक को फिनिश आउट किया जाएगा जो टीम K40 की तरफ से हमें देखने को मिल रहे थे. एंड DXF वॉज द वॉट टू जस्ट हंट देम डाउन ओवर दैट पर्टिकुलर स्पॉट. ओके पॉइंट ब्लैक स्पोर्ट, ये रही पॉइंट ब्लैक स्पोर्ट्स की टीम जो फिलहाल के लिए मिलिट्री साइड से क्लोजिंग करने की कोशिश कर रही है एंड जोन. फिलहाल के लिए कोई भी खेल नहीं लेके जा चुकी है टीम, एंड उनका जो स्क्वाड है सेफली आई थिंक यहाँ पे जोन क्लोजिंग कर सकता है गॉड किल. ये रही सब जीरो की टीम एंड गॉड किल, जहाँ वो ऑलरेडी जोन क्लोजिंग कर चुके हैं ओवर टू द शूटिंग रेंज एरिया, एंड फिलहाल के लिए कोई भी खेल नहीं लेके जा चुके हैं. इनफैक्ट दे हैव नॉट टेकन एनी कैजुअलिटीज एज वेल. अगर टॉकिंग अबाउट द टीम WRT के जो स्पेक्ट्रा है, जो एक सोलो पर्सन है अपनी टीम के लिए, आई थिंक ST के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे. अगर उनको वहाँ पे गिराया जाता तो डेफिनेटली टीम को एलिमिनेट होना पड़ सकता था. डेफिनेटली एक अच्छा खासा डैमेज लेके जा चुके हैं. सामने सब्जीरो कतला प्रेजेंट रहेगा, सब्जीरो कतला की तरफ से कुछ शॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे. आई थिंक सब्जीरो कतला हैज ऑलरेडी स्पॉटेड हिम गेटिंग इनटू दैट शैक. हैज ही, आई थिंक ही शुड हैव, एंड He has just spotted the Spectra getting into that shack for now. And I think Spectra ki taraf se ek smoke wall ki create kiya ja raha towards his buggy taaki fallback kar paaye wahan pe. Let's see if he's gonna do that safely. Because filhal ke liye Spectra jo hai guys, ek solo person apni team ke liye. Jaise hi wo buggy climb karenge, unko giraya ja sakta hai. And ek spray pada. And isi ke saath mein WRT ka khatma sabse pehle yahan pe hota hua nazar aayega. Bahut hi buri BT ke saath mein. Lost by team tryouts dikhao. ये रही ब्रो, कहाँ गई. फिलहाल के लिए मैं लेके चलता हूँ UTI की तरफ, जहाँ के TC को फिनिश आउट किया जा चुका है. तो किसको दिखाना था? ट्राई आउट्स. कभी कभार मुझे नहीं दिखता है, हाँ सॉरी. नहीं दिख रहा है कसम से. ओके ये तो नहीं ना, या तो एवेंजर्स है. उनका स्लॉट नंबर क्या है? ओके सो 19 है ना उनका स्लॉट, 19. ओके. ये रहे सॉरी. अच्छा ये जोन के बाहर है अभी, सॉरी. सारे पॉइंट्स देख मेरे. 2 vs 96. अरे जिक्स, स्ट्रीम चुका सा कंटिन्यू छ. ओके
तो फिलहाल के लिए जैसा कि यहाँ पे बात करते हैं ब्लड एक्स एंड दोस्ती बूथ की, वो डुओ रहेगा फॉर द टीम दैट्स गोना बी ट्राई आउट्स ओवर देयर. तो पुचनिकी की लोअर साइड एरिया से क्लोजिंग करने की कोशिश हो रही है, लेट्स सी इफ दे आर एबल टू डू दैट सेफली या फिर नहीं. एक्सपोज फ्री की अगर मैं बात करूँ, जो अकेले सर्वाइवर है अपनी टीम द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तरफ से, तो उनका एक सर्वाइव करना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज अदरवाइज एक टीम जो है एक बहुत ही बुरी सी बीटी लेके जा सकती है. टीम वॉज एबल टू गेट अ ब्यूटिफुल चिकन इन द प्रीवियस वन, तो डेफिनेटली इन टू द नेक्स्ट टू मैचेस दे जस्ट नीड टू गेट प्लेस्ड इन टॉप फाइव, दैट्स ऑल, and the team will be qualified automatically, but they need to do that. फिलहाल के जोन की अगर मैं बात करूँ तो STEX Nexus को फेवर करता हुआ नजर आएगा. they are going to be at almost the center of the zone over there, and पूरा का पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है with zero kills for now definitely, but I think they will be getting some kills at ease. यहाँ पे लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम सब जीरो की तरफ, जो ऑलरेडी स्पेक्ट्रा का किल लेके जा चुके हैं इनटू द फेवर. फिलहाल से उसी एक फिनिश के साथ में टीम कोई भी कैजुअलिटी नहीं लेके जा चुकी है, एंड इनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड है वो सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा राइट अवे एट दिस वेरी पर्टिकुलर मोमेंट. फॉर नाउ बात करते हैं टीम्स की, तो टीम्स की तरफ से एक क्लोजिंग करने की कोशिश हो सकती है. देखते हैं क्या चीज़ें होती है, क्या यहाँ पे सेफली क्लोजिंग कर पाता है या फिर उनके लिए गेट कीप हो सकता है फॉर द फ्यू अदर टीम्स राइट अवे. आदर गना गेट एलिमिनेटेड, क्या उनको एक बीटी लग जाएगी यहाँ पे या फिर एक सेफ क्लोजिंग कर पाते हैं. यहाँ पे एनर्जी की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ उनके जस्ट बिल्कुल सामने से ही टीम फिश न्यू स्पोर्ट्स का जो स्कोर था गाइस वो क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा था इन द जोन. लेट्स सी उनकी तरफ से कैसा क्या क्लोजिंग करने को मिलेगा हमें. फैशन न्यू स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली उनके जो एक प्लेयर है उनको गिराया जाएगा, इंस्टेंटली फिनिश भी किया जाएगा एंड एमडीए गॉडसेंड के द्वारा. इनफैक्ट राइजन विल बी द वन टू जस्ट फिनिश देम आउट ओवर देयर. मैजिशियन वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो कहीं ना कहीं एक सेफर साइड पे जाने की कोशिश कर रही है. आई थिंक जस्ट ऑन दैट राइट इज गोना बी द टीम STEX नेक्सस एंड सीज एज वेल, तो डेफिनेटली उनको बीटी लग सकती है. यहाँ पे K40 की स्क्वाड की बात करूं तो उनके एक और मेंबर को वहाँ पे फिनिश आउट किया जा चुका है, दैट्स गोना बी द ड्रोगो. जिस चीज की वजह से K40 की जो टीम है गाइस उनको एज अ टू मैन स्क्वाड ही अब सर्वाइव करना पड़ेगा, एंड दैट्स डेफिनेटली गोना बी द न्यू एंड द विज़गॉड ओवर देयर. कॉल ने जरा रिडीम कर कुछ, मैं देखूंगा वो चल रहा है आज के नहीं. ओके तो फिलहाल के यहाँ पे एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स की बात करूँ, जो कंटेनर एरिया में फिलहाल के लिए तो प्रेजेंट है, बट दे नीड टू गेट इनटू द जोन एएसएपी, अदरवाइज टीम को बीटी लग सकती है. बिकॉज जस्ट लाइक द जोन श्रिंक इन करना स्टार्ट करेगा, डिफिकल्ट होगा रोटेशन देना इनटू द जोन, एंड उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स का सामना भी करना पड़ सकता है टीम्स को. फैसनियो मैजिशियन की तरफ लेके चलते हैं गाइज, जैसे एट दैट बैक साइड इट्स गोना बी द अदर टीम ओवर देयर, दैट्स द युचिहा. युचिहा के जो रैंडम पर्सन थे ही इज गोना बी आउट ऑफ दिस मैच फॉर नाउ, एंड द टीम इज गोना सर्वाइव एज अ थ्री मैन स्क्वाड फॉर नाउ. यहाँ पे बात करते हैं उस्मान जॉर्ज की, जो अकेले सर्वाइवर फिलहाल के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट ओवरऑल पूरी की पूरी स्क्वाड इनकी जो सर्वाइव कर रही है. एडवर्ड जॉर्ज की अगर मैं बात करूँ तो उनकी तरफ स्प्रे शॉवर किया गया यहाँ पे, बट आई थिंक ही वाज नॉट एबल टू डू दैट सेफली ओवर देयर. उस्मान जॉर्ज की तरफ एक नेट थ्रो किया जा रहा है एडवर्ड जॉर्ज की तरफ से, तो क्या यहाँ पे एडवर्ड जॉर्ज एक प्यारा सा नेट थ्रो करेंगे, और नॉट फॉर नाउ ही हैज नॉट डन दैट, एक सेकंड नेट थ्रो करेंगे, क्या ये हेल्पफुल रहेगा डैमेज इंपैक्ट. मैं बात करता हूँ KMR उजैर की, तो उनको एक अच्छा खासा डैमेज दिया गया, इनफैक्ट एड्रोजॉर्ड को नॉक करने में कामयाब हुए थे, बट उजैर की अगर मैं बात करूं तो उजैर डिड प्ले अ गुड रिफ्लेक्स गेम प्ले ओवर देयर. भाईजान एनर्जी को दिखाओ. ओके ये रही एनर्जी की टीम ब्रो. ट्रायआउट्स दिखाओ, ट्रायआउट्स भी दिखाया था ना मैंने, ये रही ट्रायआउट्स. फाइनल्स में वाइल्ड कार्ड मिलेगा क्या? हाँ फाइनल्स में वाइल्ड कार्ड है. ओके सो या सॉरी फॉर दिस बीटी, यहाँ पे लेके चलते हैं टुवर्ड्स द जॉर्जो सिटी एरिया, जहाँ पे जो टीम कैंपर्स है उनकी फाइट इनिशिएट हो चुकी है विद द अदर टीम दैट्स गोना बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, दैट्स गोना बी द पॉइंट ब्लैक ईस्पोर्ट, जहाँ उनके एक्सोटिक को फिनिश आउट किया जा चुका है. ही हैज बीन फिस्टेड आउट ओवर देयर. टॉप एट कितने पॉइंट्स कट होगा आज? डिपेंड्स ब्रो, इट डिपेंड्स, इट्स अनएक्सपेक्टेड. ये थोड़ी ना जेईई नीट का एग्जाम है, पिछले साल इतना हुआ था तो आज इतना होगा. इट्स अनएक्सपेक्टेड, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन गेम प्ले व्हाट टीम्स प्ले ओवर देयर. सेवेज क्या किया? सेवेजा मकलेवास, सेवेजाज खाता हूँ मैं, न्यूज टीम है मकलेवास. तीसरा मैच अगर ये चिकन डिनर निकलने में कामयाब हुए तो गुड, अगर नहीं तो दे हैव टू टेक 20 प्लस किल्स आई गेस. ओके सो यहाँ पे बात करते हैं एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स की टीम की, जो ऑलरेडी जोन गाइस क्लोजिंग कर चुकी है. उनका एक अच्छा खासा गेम प्ले हमें यहाँ पे कवर अप करने के लिए मिल सकता है. लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है एंड व्हाट विल बी द इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम द टीम. यहाँ पे एनर्जी की स्क्वाड की बात करूँ जो ऑलरेडी जोन में प्रेजेंट है, तो उनकी तरफ से एक अच्छा खासा गेट कीप हो सकता है फॉर द फ्यू अदर टीम्स आउट देयर जो फिलहाल के लिए जोन के बाहर प्रेजेंट है, एंड वो कुछ किल्स अपने खाते में ऐड करते हुए नजर आ सकते हैं. यहाँ पे लेकर चलता हूँ फैशनियो के मैजिशियन की तरफ, जो अकेले सर्वाइवर अपनी टीम के लिए देखने को मिलेंगे. जस्ट बाय द सी श्योर प्रेजेंट है फिलहाल के लिए. आई थिंक ही नीड्स टू गेट
टू अ सेफर स्पॉट, ही नीड्स टू गेट टू द जोन ईसा ताकि उनको बीटी ना लगे यहाँ पे। एमवीजी स्पोर्ट्स की टीम की बात करूँ जहाँ के लिडेंटे को फिनिश आउट किया गया, बट टीम जो एज अ थ्री मैन स्क्वाड फिलहाल के लिए कई सर्वाइव कर रही है एंड ऑलरेडी दो फिनिशर्स भी अपने खाते में लेके जा चुकी है। यहाँ पे बात करते हैं द पॉइंट ब्लैंक स्पोर्ट्स के फ्राइगर की, तो उनको गिराया जाएगा एवेंजर्स की अपसर्ज के द्वारा, इंस्टेंटली फिनिश भी किया जाएगा, दैट्स गोना क्रिएट बीटीज फॉर द टीम पॉइंट ब्लैंक स्पोर्ट्स। ओवरऑल गनर की अगर मैं बात करूँ तो काफी डैमेज लेके जा चुके हैं, ही नीड्स टू हील हिमसेल्फ देन मूव टू द जोन ईसा, अदरवाइज टीम कुछ और बीटीज लेके जा सकती है टू देयर फेवर। कितना है परचेज करने के लिए? 300 ब्रो, 4 फूल्स। ओके सो यहाँ पे आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट रेट एवर फ्रॉम दिल ओवर देयर एंड बाय एनी आउट देयर, बिकॉज 250 का क्वालिफायर ही था तो 300 का डायरेक्ट आपको फाइनल्स में मिल रहा है, जस्ट एट 50 यू गेट स्लॉट इन टू फाइनल्स डायरेक्टली। आई थिंक इट्स गुड मेरे हिसाब से, बट अनअफोर्डेबल टू मोस्ट ऑफ टीम्स आई गेस। ओके सेज की बात करते हो, सेज को बहुत ही प्यारे स्प्रे के साथ में यहाँ पे गिराया जाएगा, आई थिंक सेज को यहाँ पे फिनिश आउट भी होना पड़ेगा। टॉम को ऑलरेडी फिनिश आउट किया जा चुका है गाइस। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो गॉड्स एंड रॉइजन जो है एज अ टू मैन स्क्वाड ही अब अपनी टीम के लिए हमें सर्वाइव करते नजर आएंगे। बगी लेके सीधे नीचे कूद चुके हैं यहाँ पे, डेफिनेटली शायद से उनको पीटी लग सकती है, बगी अटक चुकी है, देखते हैं क्या सीनरी रहता है यहाँ पे, क्या क्लाइम कर पाएंगे और इज ही गोना टेक दैट बीटी। ओके सो टॉकिंग अबाउट दोज टीम्स, जस्ट लाइक लेके चलते हैं फोरेस्ट की तरफ जहाँ के जो साही है एक अकेले पर्सन अपनी टीम के लिए अब हमें देखने को मिलेंगे, शूटिंग रेंज के एरिया में प्रेजेंट है फिलहाल के लिए। सामने जो टीम्स हमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है, एवरी दैट्स गोना बी द टीम सब जीरो ओवर देयर, सब जीरो का जो स्क्वाड है उनके सामने देखने को मिल रहा है, और सब जीरो ऑलरेडी गाइस दो फिनिशेस अपने खाते में लेके जा चुके हैं, जिस चीज़ का जो उनको फेवर है होता हुआ नजर आ सकता है, देखते हैं कैसी क्या इंप्लीमेंटेशन टीम की तरफ से हमें आगे जाके होते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए गाइस 16 टीमें सर्वाइव कर रही है, दैट्स अकाउंट ऑफ 48 प्लेयर्स फॉर नाउ एंड ऑलरेडी ऑलमोस्ट 24 मिनट मैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन चलता हूँ पॉइंट ब्लैंक ईस्पोर्ट्स की तरफ जहाँ के ब्रिजेस बिल्कुल ही सामने प्लेन क्रैश साइट पे द टीम एनएसजी ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट रहेगी, एंड उस्मान जॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उनको भी गिराया जा चुका है फिलहाल के लिए। गानर को स्पॉट करा गया, गॉड की तरफ से स्प्रे शॉवर करने की कोशिश हो रही थी, बट फिलहाल के लिए टीम सेफर साइड पर रहेगी। फेरी की बात करूँ तो फेरी न्यूब को गिराया जाएगा, द टीम कैंपर्स को एक हल्की सी बीटी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फेरी न्यूब ओवर देयर, जिस चीज़ की वजह से टीम को जो एज अ थ्री मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा। एसटी एक्स एनएक्सिस की अगर मैं बात करूँ, नेक्सस की जो एसटीएक्स नेक्सस की जो स्क्वाड है गाइस वो अभी फिलहाल के कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, बट एट द एज है तो डेफिनेटली दे नीड टू गेट इन द जोन, अदरवाइज उनको बीटी लग सकती है। गॉडसेंड की बात करता हूं गाइस, गॉडसेंड की तरफ से कुछ किल्स ऐड किए जा रहे हैं इनटू हिज अकाउंट फॉर नाउ, बट आई थिंक ओवरऑल जो टीम है वो एक अच्छी खासी बीटी लेके जा सकती है इनटू दिस वेरी पर्टिकुलर फाइट। यस दे हैव, एंड यहाँ पे बात करता हूँ इन्फर्नो जॉर्ड की, तो फिलहाल खेले इन्फर्नो जॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, ही इज गोना बी द सोलो पर्सन फॉर हिज टीम राइट अवे, देखते कैसी क्या इंप्लीमेंटेशन उनकी तरफ से होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे एसटीएक्स एनएक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो उन पे फोकस रहेगा यहाँ पे द टीम टॉक्सिक ई स्पोर्ट्स का, तो डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा बीटी लग चुकी है, बीटी लग सकती है वहाँ पे, बिकॉज प्राइम फोकस उन पे जो है बनता हुआ नजर आएगा। इन्फर्नो जॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ द जोन प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली दे माइट बी ऑल्सो टेकिंग सम बीटीज ओवरऑल एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। यूजीआर के स्क्वाड गाइस ऑलरेडी जोन में देखने को मिल रहे हैं जहां से उनको एक अच्छा खासा फेवर हो सकता है, जहां से वो एक अच्छा खासा किल काउंट लेकर जा सकते हैं। फैशन स्पोर्ट्स की टीम को भी मैच से बाहर किया जाएगा, एंड यहाँ पे बात करते हैं सब जीरो की, तो सब जीरो की जो टीम है ये रहे गॉड किल साहब, एंड ओवरऑल टीम्स की अगर मैं बात करूँ गाइज जो टीम है वो प्रेजेंट रहेगी इनटू द शूटिंग रेंज एरिया फॉर नाउ, एंड डेफिनेटली द टीम इज गोना सर्वाइव फॉर अ लिटिल ड्यूरेशन ओवर देयर, बिकॉज एक बैक स्टैब नहीं होगा टीम के लिए, पैकमैन बी एट लुकिंग फॉर दैट बैक स्टैब्स ओवर देयर, तो डेफिनेटली द टीम इज गोना बी एट अ पर्टिकुलर सेफर स्पॉट फॉर नाउ। टीम 313 की तरफ लेके चलते हैं जहां उनके जो उस्मान जॉर्ड है उनको इनिशियल स्टेज में ही फिनिश किया गया, केएमआर उजैर वाइफ इन 313 एंड एजीएच उस्मान जो है वो एज अ थ्री मैन स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है। पैकमैन स्पॉट किया जा चुका है, पैकमैन की तरफ कुछ स्प्रे शॉवर करने की कोशिश हो रही थी यहाँ पर, बट फिलहाल के लिए पैकमैन इज गोना बी बिहाइंड द ट्रिच फॉर नाउ, जिस चीज की वजह से इज गोना बी एट द सेफर साइड। केएमआर उजैर की बात करूं तो नेक्सस स्पैज की तरफ से उनको नॉक करा गया वहां पे, बट आई थिंक ही इज गोना बी रिवाइव्ड आउट सेफली फॉर नाउ, ही इज नॉट गोना हैव दैट बीटी फॉर नाउ। टॉप 8 टीम्स ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू यू, एवेंजर ईस्पोर्ट्स, फर्स्ट ब्लड ईस्पोर्ट्स, स्टारवरॉट ईस्पोर्ट्स, आई गेस सब जीरो स्पोर्ट्स एज वेल। कितनी हुई बस मेरे को बाकी नहीं पता, बाकी मैं जानता भी नहीं, हो सकते है और हो।
अगर तो टॉक्सिक ई स्पोर्ट्स की टीम की अगर मैं बात करूँगा, इस टॉक्सिक ई स्पोर्ट्स की जो टीम है उनके जो सामने बिल्कुल ही देखने को मिल रहा है द टीम यूचिया, तो उनकी तरफ कुछ नीड्स वगैरह थ्रो करने की कोशिश हो रही है, बट फिलहाल के लिए जो टीम है वो एट अ सेफर साइड देखने को मिलेगी, उनके लिए कोई भी बीटी जो है गाइस वहाँ पे नहीं रहने वाली है। लेट्स सी कहाँ तक सर्वाइव करेंगे वहाँ पे ओवरऑल। सबसे गॉड किल की अगर मैं बात करूँ तो उनको गिराने में कामयाबी हासिल हुई है यहाँ पे, बट आई थिंक क्या उनको सेफली रिवाइव मिल पाएगा या फिर नेक्सस वो किल अपने खाते में एड करते हुए नजर आए। इनफैक्ट कल एक्स भी शायद वो किल अपने खाते में लेके जा सकती है, देखते हैं क्या सुनहरा रहता है, क्या गॉड किल को रिवाइव मिल पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे फिनिश आउट होना पड़ेगा द टीम स्कल एक्स स्पोर्ट्स का आउट ऑफ दिस मैच फॉर नाउ, एंड डेफिनेटली दे आर गोना क्रिएट सम बीटीज फॉर नाउ। अब नहीं ब्रो मुनु आई कैन शो नो पर्टिकुलर टीम, जहाँ पे मैं एरल व्यू ले रहा हूँ, जो आएंगी ज्यादा में तो आ गई बिकॉज फाइट्स मिस हो जाएंगे अदरवाइज। द टीम सेल्वरोट सॉरी द टीम एस टी एक्स नेक्सिस की अगर मैं बात करूँ, उनको बीटी लग चुकी है, उनको जो नेक्सिस वाइपर है इज गोना बी द सोलो वन, YFM313 आउट ऑफ द मैच रहेंगे, आउट ऑफ द जोन यहाँ पे फिनिश आउट होते हुए नजर आएंगे। बात करता हूँ टीम्स की, तो गाइज यहाँ पे जो है 10 टीमें सर्वाइव करेंगे, दैट गोना बी अ काउंट ऑफ 26 प्लेयर्स फॉर नाउ। यहाँ पे लेके चलते हैं टूवर्ड्स द टीम टॉक्सिक स्पोर्ट, जहाँ उनके जो नूब है उनको नॉक किया जा चुका है। एनर्जी स्पोर्ट्स की टीम वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, बैक साइड पे जो टीम ट्राई आउट का स्क्वाड एज अ टू मैन स्क्वाड देखने को मिल रहा है, उनके बैक साइड पे द टीम एमवीजी स्पोर्ट्स देखने को मिल रहा है, उनके बैक साइड पे टीम डी एक्स एफ देखने को मिल रहा है। ओके सो द टीम यूचियाज हैज बीन एलिमिनेटेड जस्ट बाय दैट नीड्स ओवरऑल टीम सब जीरो की तरफ से, द टीम एनर्जी का भी उन पर फोकस रहा, तो डेफिनेटली दैट हैड क्रिएटेड सम बीटीज, एनर्जी का पूरा फोकस रहेगा टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स को, एक नीड के साथ में उनको लॉबी भेजा जाएगा, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले उनकी तरफ से कवर अप करने के लिए मिला। सब जीरो की तरफ लेके चलते हैं, जो ऑलरेडी 5 के अपने खाते में एड करते हुए नजर आई, शायद से एक फाइट ले सकती है विद द टीम एनर्जी ओवरऑल। यहाँ पे बात करता हूँ फहद नेक्सस वाइपर की, तो वो बिल्कुल फ्रंट स्टेज में प्रेजेंट है। नेक्सस वाइपर क्या यहाँ पे बैक स्टैब कर सकते हैं, पहचान कौन को, क्या उनको गिराया जा सकता है या फिर फिलहाल के लिए नहीं, लेट्स सी क्या चीज़ें होती है यहाँ पे। डेफिनेटली पहचान कौन को बैक स्टैब किया गया, विल ही बी फिनिशिंग हिम आउट या फिर नहीं फिलहाल के लिए। ओवरऑल टीम्स की बात करते हैं, छोटा भीम वगैरह को भी गिराया जा चुका है, लेके चलते हैं टू द टीम डी एक्स एफ, जहाँ उनने क्लोजिंग करा टू द टीम एमवीजी, दे हैव ऑलरेडी टेकन दोज 9 ब्यूटीफुल फिनिशेस इनटू देयर फेवर, एंड टीम जो है कंप्लीटली सर्वाइव करते नजर आ रही है। डेफिनेटली दे आर गोना गेट सम एडवांटेजेस राइट अवे एट दिस वेरी पर्टिकुलर स्टेज। पहचान कौन की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक उनको सैक्रीफाइस करना पड़ेगा उनकी टीम को। ओवरऑल 7 टीमें सर्वाइव करेंगे, दैट्स गोना बी अ काउंट ऑफ 17 प्लेयर्स फॉर नाउ। ओवरऑल किस तरीके का सिनेरियो रहेगा टीम के लिए, लेट्स हैव अ ग्लिम्स एट दैट एज वेल। नेक्सस वाइपर को बाहर किया जाएगा, जिस चीज की वजह से द टीम एसटीईएक्स नेक्सस विल बी राइट अवे आउट ऑफ दिस मैच फॉर नाउ। पहचान कौन क्या यहां पे रिवाइव ले पाएंगे, नो ही इज नॉट बिकॉज इज आउट ऑफ द जोन डेफिनेटली, एंड उस चीज की वजह से उनको फिनिश आउट होना ही होना पड़ेगा। सब जीरो वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो डीएक्सएफ की स्क्वाड की बात करूँ तो उनकी टीम भी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रही है गाइस। वाइपर इज गोना बी द सोलो वन आउट देयर, सामने दोस्ती बूथ रहेंगे of द टीम ट्राईआउट्स ओवर देयर, बट सब जीरो की टीम की कुछ शॉट्स कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं वाइपर की तरफ। वाइपर एक अकेले पर्सन गाइस अपनी टीम के लिए देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली द टीम टी एक्स एफ यहाँ पे जस्ट हैव फॉलन लाइक फॉर जस्ट लाइक ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड्स ओवर देयर। टॉकिंग अबाउट द टीम एनएक्स एनएसजी ओवर देयर, तो उनका जो 3 मैन स्क्वाड है फिलहाल के लिए सर्वाइव कर रहा है। कदला की तरफ लेकर चलते हैं, साही को फिनिश करने में कामयाब हुए, 8 फिनिशेस द टीम सब जीरो हैज टेकन इनटू द फेवर फॉर नाउ। फिलहाल के लिए टॉप 4 में अपनी पोजीशन बनाई है द टीम एनएसजी इज गोना सर्वाइव एज अ 3 मैन स्क्वाड। सोलो पर्सन द टीम ट्राई आउट, सोलो पर्सन द टीम डी एक्स एफ एंड अ होल मैन स्क्वाड ऑफ द टीम सब जीरो। तो क्या कौन सी टीम यहाँ पर निकल के जा पाती है अच्छे कंटेनर को, डेफिनेटली दैट हैज टू बी सीन, and that will have a large impact over the team that will be taking the very particular chicken dinner right away. Energy ki squad ki baat karun to wo 11 kill nikalne mein kamyab hui hai guys, yahan pe filhal ke liye zone closing to karna hai, zone ban chuka hai yahan pe to the team tryouts ke us solo player pe, that's going to be the dosti ek booth ki agar main baat karun, he's the one out there. Filhal ke energy snatch ko giraya jayega, that's going to create some difficulties for the team overall. यहाँ पर बात करते हैं फहद की, तो फहद फ्रंट लाइन में क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे। गॉड किल की तरफ एक नेट थ्रो किया गया, बहुत ही बेहतरीन सा नेट था मॉर्फिन के द्वारा, एक इंस्टेंट रिवाइवल प्रोवाइड किया जा रहा है एनर्जी के द्वारा उनके टीममेट को। लेट्स सी क्या स्नेर रहता है, कहां तक अपनी गेम सेंस को लेकर जा पाता है। फिलहाल के लिए उनके एक और प्लेयर को गिराया जाएगा, एनर्जी के जो मॉर्फिन हो चाहिए इसको अभी तो सोलो वन, कदला को गिराया जाएगा, कदला का रिवाइव होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। गॉड किल हैज गॉट अ रिवाइवल, बट यहाँ पे कदला को रिवाइव तो नहीं मिल पाएगा। फहद की अगर मैं बात करूँ, फहद रहेंगे 1v1 की फाइट रहेंगे यहाँ पर, बट फहद विल बी टेकिंग हिम डाउन, फहद को टेक डाउन किया जा सकता था वहाँ पे। वाइपर की बात करूँ, वाइपर एक सोलो पर्सन रहेंगे, आउट ऑफ द जोन रहेंगे, एक बहुत ही बुरी बीटी लेते हुए नजर आ रही है। इवेंचुअली आई थिंक यहां पे ये गेम रहेगा 1v4 का, एंड लेट्स सी क्या यहाँ पे एक 1v4 का स्ट्रेटजी देखने को मिल सकता है फ्रॉम द टीम ट्राईआउट्स के सोलो प्लेयर दोस्ती एक बूथ की तरफ से, या फिर सब जीरो इज गोना टेक दैट मैच यू चिकन डिनर राइट अवे। यहाँ पे फहद की बात करूँ, फहद को स्पॉट किया गया, फहद को गिरा गया, बट यहाँ पे बैक स्टैप होगा एंड द टीम सब जीरो इज गोना टेक दैट इजी पीजी ब्यूटिफुल चिकन डिनर राइट अवे एट द एंड विद अ गुड डैम किल काउंट ऑफ 13 ओवर देयर। बहुत ही प्यारा गेम प्ले गाइस इनकी तरफ से हमें कवर अप करने के लिए मिला, डेफिनेटली दैट वाज वर्थ टू बी सीन ओवरऑल।
And what a beautiful freaking gameplay they just showed over there. At the second position, it's going to be the team Tryouts over there with a count of 3. Third position, pe the team DXF with a good kill count of 10. Fourth position, pe the team NSG with a count of 12 over there. Fifth position, pe the team Forest with a count of 1. Sixth position, pe K4T with a count of 0. Seventh position, pe the team STEX Nexus with a count of 5 as well. 8th position pe the team MVG with a count of 2. 9th pe the team Toxic Esports with a count of 4. 10th position pe guys the team Uchiha Esports with the count of 0. 11th position pe the team 313 with a count of 4. 12th pe the team Skullex with a count of 4 as well. 13th pe the team Campers with a count of 3 as well. 14th position pe Avengers with a count of 4. 15th position pe the team Fashnio with a count of 0. Talking about the 16th position, it's going to be the Point Black Esports with a count of 0 as well. 17th position pe the team Avengers Originals with a count of 0. And 18th position pe unfortunately, sabse pehle yahan pe team WRT ko eliminate hona pada tha with just one finish overall. Star of the match ka unfortunately glitch rahega guys into this very particular map for now. So this was it for the match 2. Yahan pe I'll be going on a short break and just creating the IDP for the third match out there. That's going to be played into the Sanhok and wo rahega final match for the semi-final round of the KEAC season 4 overall. तो गाइज क्या लगता है कौन सी टीम उस वाले मैच में चिकंडिया निकाल के जा पाती है एंड किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा फ्रॉम दोज टीम्स आउट देयर डेफिनेटली दैट हैज टू बी सीन एंड दैट विल बी सीन इनटू द नेक्स्ट मैच दैट वी विल बी विटनेसिंग आउट देयर टू बी प्लेड इनटू द सैनहॉक फॉर नाउ सो गाइज आप कहीं मत जाएगा स्टे ट्यून्ड एंड फिलहाल के लिए जो भी चैनल पे नया है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर मेट्स एज वेल ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे सो आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आप कहीं मत जाएगा स्टे tuned. Sure do like to show your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it isn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you. Please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies. You wanted my demise. Now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window right now. Smiler and smiler, you fade out right now.
तो गाइज वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। तीसरा और आखिरी मैच सेमीफाइनल्स का एंड आज की स्ट्रीम का भी गाइज यहाँ पे स्टार्ट हो जाना है इन अ मोमेंट और सो। ये मैच जो है गाइज खेला जाना है इन टू द सैनॉक एरिया, जो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टीम्स के लिए यहाँ पे नया रहेगा इन टू दिस वेरी पर्टिकुलर टूर्नामेंट। यहाँ पर टीम की अगर मैं बात करूँ तो टीम 313 है जस्ट कम्प्लीटली ज्वाइंट आउट द टीम। एवेंजर स्पोर्ट्स इज ऑल्सो है, टॉक्सिक की स्पोर्ट्स भी कम्प्लीटली आ चुकी है, एनएसजी वगैरह भी कम्प्लीटली आ चुके हैं। यहाँ पे आई थिंक 71 प्लेयर्स आ चुके हैं आउट ऑफ द 72। ऑलरेडी गाइज 10:39 हो चुके हैं, एक्जैक्टली स्टार्टिंग एट 10:40 अराउंड। एंड यहाँ पे जो सोलो पर्सन मिसिंग रहेंगे दैट्स गोना बी ऑफ द टीम एवेंजर ओरिजिनल्स ओवर देयर। तो ऑलरेडी गाइज 7:40 हो चुके हैं, आई थिंक लेट्स बिगिन विद दिस मैच। या फिर आई जस्ट वेट 10 सेकेंड, आई जस्ट वन ऑफ वेट फॉर 10 सेकेंड, शायद प्लेयर अगर आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं तो देन विल बी स्टार्टिंग दिस मैच। यहाँ पे बात करते हैं टीम 313 की, वो कम्प्लीटली आ चुकी है एंड बाकी ऑलमोस्ट हर कोई स्क्वाड कम्प्लीटली आ चुकी है एक्सेप्ट फॉर द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स ओवर देयर। तो आई थिंक वो तो नहीं आ रहे, लेट्स जस्ट बिगिन दिस मैच। यहाँ पे तीसरा मैच जो है गाइस स्टार्ट कर दिया जा चुका है, विच हैज़ टू बी प्लेड इनटू द एरियाज ऑफ सैनहॉक फॉर नाउ। एंड जंगल का एरिया रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हिल बैटल्स, काफ़ी ज़्यादा कैंप, काफ़ी ज़्यादा स्नेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोज टीम्स एंड मे द बेस्ट टीम्स क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड दैट्स गोना बी द फाइनल्स ओवर देयर। एंड फिलहाल के लिए गाइस अभी तक जिसने भी वॉचिंग हो रही, जितनी भी वॉचिंग हो रही है, सिर्फ 26 के लाइक्स है। 26 के लाइक्स मीन्स ब्रो यू आर नॉट बीइंग सो आई कैन गेस मेहरबान जिसे कहते हैं टू मी। तो डेफिनेटली जस्ट लाइक द स्ट्रीम गाइस, शेयर करो स्ट्रीम को एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि विल बी गेटिंग अ लार्जर फैम एज सून एज पॉसिबल। हमारा टारगेट है 1500 सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए एंड देन विल बी हैविंग अ नेक्स्ट टारगेट राइट अराउंड। ओके गाइज यहाँ पे बात करता हूँ प्लेन पाथ की। तो गाइज प्लेन पाथ जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है फ्रॉम द डॉक्स एरिया टुवर्ड्स द हैटन वाया केव ऑन द बूट कैंप एरिया एज वेल एज द क्यूरी एज वेल। देखते हैं किस टीम की कहाँ की स्ट्रेटजी हमें देखने को मिलती है एंड कौन सी टीम कहाँ जाना प्रेफर कर देती है। यहाँ पे सबसे पहले लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम एवेंजर स्पोर्ट्स, जो आई थिंक जा सकती है टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ द कैंपोंग ओवर देयर, जहाँ उनको फिलहाल के लिए कोई भी टीम तो ज्वाइन नहीं करेगी एंड डेफिनेटली द टीम इज गोना बी एट अ सेफर साइड एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पॉट एट दैट वेरी पर्टिकुलर ड्यूरेशन। लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम सब जीरो, जो आई थिंक जा चुके हैं टुवर्ड्स द कैंप चार्ली ओवर देयर, जहां उनके साथ में फिलहाल के लिए तो कोई भी टीम नहीं उतरी है। डेफिनेटली द टीम इज आल्सो एट अ सेफर साइड फॉर नाउ। इनकी तरफ से भी एक अच्छा खासा गेम प्ले गाइस हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। DXF की तरफ लेके चलता हूं, जो जाते हुए नजर आ रही है टुवर्ड्स द रियून्स एरिया एंड उनको जो टीम वहां पे ज्वाइन कर सकती है मे बी इट माइट बी द स्कलेक्स राइट अवे। द टीम 313 की बात करता हूँ, क्योरी के आसपास हमें स्कैटर्ड नजर आ रही है, उनका भी पूरा का पूरा स्क्वाड रहेगा एंड एक अच्छा खासा गेम प्लान की तरफ से कवर अप करने के लिए मिलेगा। टू द बूट कैंप जहाँ पे जो टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स का स्क्वाड देखने को मिल रहा है, उनके साथ में जो टीम वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इट्स गोना बी ऑफ द टीम MVGs। तो 3v4 का फाइट रहेगा गाइस, देखते हैं इनकी तरफ से किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलेगा एंड व्हाट विल बी द डैम स्ट्रेटजी एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पॉट। लेके चलते टुवर्ड्स टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स, जो आई थिंक स्कैटर्ड है, स्प्लिटेड है इन द फॉर्मेशन ऑफ डू आई गेस एंड जो टीम है पैराडाइज रिजॉर्ट के बिल्कुल राइट पे प्रेजेंट है। पैराडाइज रिजॉर्ट सरप्राइजिंगली कोई भी टीम यहाँ पे नहीं जा चुकी है गाइस, तो डेफिनेटली दैट मस्ट नॉट बी क्रिएटिंग सम BTs फॉर द टीम। यहाँ पे बात करता हूँ द रेनूब की, तो उनकी तरफ से एक नॉकआउट तो किया जा चुका था, द प्लेयर छोटा भीम को इंस्टेंटली फिनिश भी होना पड़ेगा उनको। एक 3v3 की फाइट रहेगी बिटवीन दोज टू टीम्स। MVG के स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक BT लगते हुए नजर आ रही है उनको, क्या उनको एलिमिनेट होना पड़ेगा यहाँ पे या फिर एक रिवर्स BT देने में कामयाबी हासिल होगी। कैम ब्रावो की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे जो टीम 4S हमें प्रेजेंट देखने को मिल रही है एंड उनके साथ में जो टीम वहाँ पे देखने को मिल रही है इट्स गोना बी द टीम WRT। तो एक 4v4 का फाइट रहेगा बिटवीन दोज टू टीम्स आउट देयर एंड एक ब्यूटीफुल एक सरप्राइजिंग सा गेम प्ले हमें वहां पे जो है गाइस कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। यूचिया की तरफ लेके चलता हूं, जहां उनका पूरा का पूरा स्क्वाड देखने को मिलना है, स्कैटर्ड है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द कैंप ब्राउ एंड एज वेल एज द बान एरिया ओवर देयर। बान में जो है गाइस टीम एनर्जी स्पोर्ट्स जा चुकी है, जहां उनका 3-man स्क्वाड देखने को मिलता है, उनके जो गॉड है वो स्कैटर्ड रहेंगे अपनी टीम से। पॉइंट बैक स्पोर्ट्स की तरफ लेके चलता हूं, वहां भी मोंग नाई के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मैच, काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस वहाँ पे उस एरिया के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है फिलहाल के लिए, बिकॉज क्वाइट फ्यू टीम्स आर प्रेजेंट आउट देयर। यहाँ पे टीम ट्रायआउट्स की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ जो पॉइंट ब्लैक एक्सॉर्टी के बिल्कुल सामने ही प्रेजेंट है ब्लड एक्स, तो क्या उनको स्पॉट करने में यहाँ पे कामयाबी हासिल होगी या फिर
यहाँ पे तो फिलहाल से मैं अगर ब्लड एक्स की बात करूँ वो इज जस्ट सेटिंग कामली ओवर देयर. एक्सोटिक की बात करूँ तो एक्सोटिक फुली साउंड्स ये दे रहे हैं बिकॉज आई थिंक ही इज नॉट अवेयर ऑफ द ब्लड एक्स बींग इंटरेस्ट नेक्स्ट कंपाउंड राइट अवे. तो क्या उनको बीटी लगेगी यहाँ पे या फिर फिलहाल के नहीं ट्राइंग टू जस्ट बर्स्ट दोस डोर्स आउट देयर. फिलहाल आई थिंक ही हैज सम काइंड ऑफ आइडिया ओवर देयर. एक्सपोज हमारी तरफ लेके चलता हूँ तो अल्टीमेट फ्यूरी को भी गिराया जा चुका है वहाँ पे. द टीम एमवीजी स्पोर्ट्स हैज टेकन अ गुड डैम बीटी. यहाँ पे ल्यूनेटिक इज गोना बी द सोलो डैम पर्सन फॉर हिज टीम. यहाँ पे फॉल बैक करने की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हुए बट क्या उनको स्पॉट किया जाएगा एंड उनको इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश आउट होना पड़ेगा. सो द टीम एमवीजी माइट बी द फर्स्ट वन टू गेट वाइप्ड आउट राइट अवे फ्रॉम दिस वेरी पर्टिकुलर मैच आई गेस. ओके सो नेक्स्ट स्पैज की बात करते हैं तो आई थिंक एएफ के काइंड ऑफ समथिंग चले जा चुके थे जिस चीज़ की वजह से ही हैज बीन ड्राउंड आउट. एंड यहाँ पे बात करते हैं द टीम एसटीईएक्स नेक्सस की स्क्वाड की तो उनका गाइस थ्री मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा अब. ओके सो टू द फ्यू अदर टीम्स एज वेल जिस लाइक यहाँ पे बात कर रहे थे द टीम ट्रायआउट्स वर्सेस द टीम पॉइंट बैक स्पोर्ट्स कवर अप करेंगे मिलता हुआ नजर आ सकता था. एक्सोटिक को एक अच्छा खासा डैमेज पड़ चुका है फिलहाल के लिए. डब्ल्यूटी की स्क्वाड की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ उनके उनकी तरफ से जो है फोरिस के साही को नॉक किया जा चुका है. फोरिस को भी एक अच्छी खासी बीटी लगी थी द प्रीवियस मैच आउट देयर. यहाँ पे डब्ल्यूटी की स्क्वाड की बात करूँ तो उनको भी एक अच्छी खासी बीटी जो है फिलहाल के लिए लग चुकी है इंटर दिस वेरी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन. बात करता हूँ टीम्स की तो गाइज देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है यहाँ पे फिलहाल के लिए किस तरीके का गेम प्ले कवर अप करने के लिए मिलेगा. न्यू प्लेयर को भी नॉक किया जाएगा. एहसान की बात करूँ तो एहसान अलॉन्ग विद हिज टीममेट स्पाइजेट इज गोना बी द डुओ सर्वाइविंग फॉर द टीम. फिलहाल के लिए आई थिंक यहाँ पे एक रिवाइव जो है प्रोवाइड किया जा चुका है साही को. एंड लेट्स सी क्या कामयाबी से होगा या फिर नहीं. एनर्जी की अगर बात करूँ तो वो एक थर्ड स्टैप बैक स्टैप करने के लिए कामयाबी से यहाँ पे प्रेजेंट है फिलहाल के लिए. डेफिनेटली दैट्स गोना बी अ गुड टाइम थर्ड पार्टी आई गेस ओवर देयर. एनर्जी स्पोर्ट्स अब क्लोजिंग करेंगे टुवर्ड्स द टीम डब्ल्यूआरटी. लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है फिलहाल के लिए यहाँ पे. भाई टीम टॉक्सिक का दिखाओ मैं दिखाता हूँ सबको दिखाता हूँ ब्रो बट लेट मी जस्ट कवर द फाइट ताकि बीटी ना लगे. फिलहाल के लिए टॉक्सिक स्पोर्ट्स की फाइट नहीं होगी अभी. आई थिंक पॉइंट बैक स्पोर्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट है बट जो ही स्टार्ट हो जाती है आई जस्ट स्विच टू देम. मैं बात कर रहा था डब्ल्यूआरटी की स्क्वाड की तो उनके जो टैमो है उनको नॉक करा गया था. आई थिंक ही माइट नॉट बी गेटिंग अ रिवाइवल एज ऑफ नाउ. जल्दी से यहाँ पे शॉट करना पड़ेगा एनएसजी की टीम को देन शायद से एक सेफ रिवाइवल प्रोवाइड किया जा सकता है. बात करता हूँ एनर्जी की स्क्वाड की तो याद जाए जस्ट सराउंडेड द कंपाउंड दैट द टीम डब्ल्यूआरटी इज होल्डिंग फॉर नाउ. एंड कंटिन्यूसली थ्रोएबल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है टू दैट वेरी पर्टिकुलर कंपाउंड जिस चीज़ की वजह से आई थिंक प्लेयर्स को नॉक किया जा सकता है. यहाँ पे शेडी को नॉक किया जाएगा. दैट्स गोना बी एन ओपनिंग. यहाँ पे गॉड फ्रंट लाइन पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी व्हाट इज ट्राइंग टू व्हाट इज गोना डू देयर. स्पेक्ट्रा की बात करूँ तो स्पेक्ट्रा सामने प्रेजेंट रहेंगे. स्पेक्ट्रा को गिराया जाएगा. स्पेक्ट्रा को फिनिश किया जाएगा. डब्ल्यूआरटी के तीनों के तीनों मैचेस यहाँ पे खराब जाते हुए एंड आई थिंक यहाँ पे टीम का जो क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है. ओके सो आई वाज अबाउट टू शिफ्ट द टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स जहाँ के चोक करने वाले को फिनिश आउट किया जा चुका है. द टीम विल बी स्टैंडिंग एज अ थ्री मैन स्क्वाड ओवर. देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है. रोनन ओजी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. पोजीशन पॉइंट्स किस हिसाब से है जस्ट टू क्लियर माय कंफ्यूजन. पोजीशन पॉइंट्स प्राण हिसाब वही चिकन डिनर के 15 पॉइंट्स. बाय द वे कल किसी का कंफ्यूजन था. आई फॉरगॉट टू से टू द ऑडियंस ओवर देयर ऑगलेस फो का शायद दैट 313 उनके सेम पॉइंट्स थे बट 313 हैड द ग्रेटर पोजिशन पॉइंट्स. तो डेफिनेटली प्रेफरेंस तो 313 को ही मिलनी थी एज पर द रूल. ही सेड दैट नहीं यार प्लेस पॉइंट्स के आई थॉट फॉर अ मोमेंट यार मैं ही तो गलत नहीं हूँ. मैं लेट मी जस्ट चेक फॉर अ मोमेंट. मैंने अदिल को फ़ोन करा मैंने नेट से सर्व करा आई थॉट नहीं यार मैं तो ठीक हूँ यार ही जस्ट कन्फ्यूजिंग मी राइट अवे बिकॉज ऐसी सिचुएशंस पे होता है हो सकता है एक मैनुअल एरर हो जाए. तो डेफिनेटली इट्स नॉट डिलिब्रेटली एनी ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू डू. वो अलग ऑग्स होती है फिर अगर कोई ऑग डिलिब्रेटली वो चीज़ें करती है जिसे हम डेफिनेटली आई कैन से टेम्परिंग विद द पॉइंट्स टेबल वी कैन से बट एट माई साइड इट शुड नॉट बी डन. हाँ अलबत् कभी कभार मैनुअल एरर हो जाता है. इनफैक्ट जो पॉइंट्स टेबल है गाइज वो नाइन्थ क्लास का बच्चा हैंडल करता हुआ नजर आ रहा है तो कर रहा है फिलहाल के लिए टीन एफ के लिए. तो डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा बार गलतियाँ होती है. तो लिटिल सजेशन बी टी एन एफ ई स्पोर्ट्स बी टी सिक्स स्कल एक्स कोई भी टॉक्स की स्पोर्ट्स तो अपने पॉइंट्स का हिसाब रखना चाहिए गाइज. इट्स गुड फॉर यू गाइज टू कीप द पॉइंट्स काउंट टू योर सेल्फ. यहाँ पे पॉइंट बैक स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उनके जस्ट सामने टीम एनर्जी स्पोर्ट्स का जो टीम है वो देखने को मिल रहा है. लोगन को ऑलरेडी फिनिश आउट किया जा चुका है. गनर एंड फ्रैगर जो एज अ टू मैन स्क्वाड सर्व कर रहे हैं. मॉर्फिन की तरफ से एक फ्लैंक बहुत ही प्यारे तरीके से होगा. एक्सोटिक को फिनिश किया जाएगा. यहाँ पे क्यूबीयू के सिंगल टैप्स कनेक्ट करने की कोशिश फ्रैगर के द्वारा बट कामयाबी हासिल नहीं होगी. K40 की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ उनके जस्ट सामने फेस न्यू स्पोर्ट्स का जो टीम है वो देखने को मिल रहा. मैं ही था अच्छा चिट्ठी
सो देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है फिलहाल के लिए। जिस सामने से अगर मैं बात करता हूँ द टीम फैशनियो ईस्पोर्ट्स की टीम की, तो उनका एक बहुत ही बीटी लग सकती है। इनफैक्ट द टीम K40 जो है फिलहाल के एक बेहतरीन सा गेम प्ले कवर अप करने के लिए देखने को मिल सकता है उनकी तरफ से। यहाँ पे बात करते हैं द टीम ट्रायआउट्स की, तो उनकी तरफ से एस टी एक्स नेक्सिस को एक बहुत ही बुरी बीटी लग चुकी है। उनकी ट्रिपी चिड़िया को फिनिश किया जा चुका है, जिस चीज़ की वजह से द टीम इज गोना सर्व एज अ टू मैन स्क्वाड ओवर देयर। नेक्सस वाइपर एंड एस टी मैडी की अगर मैं बात करूँ, तो देखते हैं गाइस इनकी तरफ से किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। DXF की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, द स्कालेक्स हैज जस्ट टेकन अ फिनिश आउट देयर एंड डेफिनेटली दैट वाज द वाइपर जिनको इनिशियल स्टेज में फिनिश करा गया वहाँ पे। द टीम DXF की तरफ से भी एक अच्छा खासा गेम प्ले देखने को मिला इनटू द प्रीवियस मैच। फॉर नाउ टॉप थ्री में अपनी पोजीशन बनाई थी वहाँ पे, लेट्स सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू आउट देयर। नाइन्थ नहीं, एट्थ, अब वही है ब्रो, कर लो कुछ, कह लो सुन लो। ओके, शायद से यहाँ पे नेक्सस वाइपर को भी स्पॉट किया जा चुका है। हाँ जी, डेफिनेटली ही इज बीन स्पॉटेड आउट बाय द टीम ट्रायआउट्स, तो उनको स्पॉट किया जाएगा एंड शायद से उनको गिराया भी जा सकता है वहाँ पे, जिस चीज़ की वजह से उनको जो एक अच्छी खासी डिफिकल्टी होते हुए देखने को मिल सकती है। ओवर टू द टीम, यहाँ पे बात करते हैं द टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स की टीम की गाइस, जहाँ कहीं ना कहीं उनका भी एक मैनुअल सा एक पीटी लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करता हूँ टीम की, तो गाइस टॉक्सिक स्पोर्ट्स एंड के साथ में इनकी एक अच्छी खासी फाइट इनिशिएट हो सकती है। इनका क्या सिनेरियो रहेगा एंड डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी सीन, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवरऑल एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट। यहाँ पे बात करते हैं द अदर टीम, दैट्स द ट्रायआउट्स, तो बहुत ही बेहतरीन सा गेम प्ले तरफ से कवर अप करने के लिए मिला। नेक्सस वाइपर को फॉल बैक करने पे मजबूर किया जा चुका है। यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो गाइस 15 टीमें सर्वाइव कर रही है, दैट्स गोना बी अ काउंट ऑफ 49 प्लेयर्स फॉर नाउ एंड फिलहाल के लिए गाइस 10 मिनट ऑलरेडी मैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। वो क्या है ना, वन टू वन पॉइंट फाइव ईयर के बाद फिर से खेला शुरू किया तो होता है। अरे इट्स ओके ब्रो, वी आर ऑलवेज हेयर टू मेक योर कन्फ्यूजन्स क्लियर। ये इट्स नॉट ऑलवेज यू गाइस, जब मतलब कन्फ्यूजन होता है, कभी कभार ऑग से भी गलतियां होती है एंड डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कभी कभार कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होता है यार, नहीं तुमने जान पूछ के किया वो है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू शुड अंडरस्टैंड, माशाल्लाह सब मैच्योर है तो समझना चाहिए एंड आई एम मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड योर कन्फ्यूजन, क्योंकि मुझसे भी काफ़ी बार होता है, तो इट्स नो बिग डील, जस्ट प्ले इजी। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टीम दैट्स गोना बी द टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स, जहां उनके चोक करने वाले को इनिशियल स्टेज में ही फिनिश किया जा चुका है। द टीम इज सर्वाइविंग एज अ थ्री मैन स्क्वाड, जहां उनके थ्री मैन स्क्वाड में गब्बर, नूब और साबिर खेलते हुए नजर आएंगे। ओवर टू द बैक स्टेप, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टीम एनर्जी उनके बैक स्टेप पे देखने को मिल रही है। शायद से उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, इवेंचुअली दे माइट हैव टू फेस सम ट्रबल्स एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पॉट, जिस चीज़ की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वहाँ पे गाइस करना पड़ सकता है एंड डेफिनेटली द टीम विल हैव टू सफर, आई गेस दे विल हैव टू सफर बिकॉज उनको सफरिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ओके, सो फैशनियो की तरफ लेके चलते हैं, जहां वो दो किल्स ऑलरेडी लेके जा चुके हैं इनटू देयर फेवर। फॉर नाउ एजेज उस्मान की तरफ लेके चलते हैं, जहां उनको एवेंजर्स अपसर्स की तरफ से नॉक किया जा चुका है। द टीम 313 की ऑलरेडी फाइट इनिशिएट हो चुकी है, उस्मान को एक इंस्टेंट रिवाइवल प्रोवाइड करने की एक नेसेसिटी, एक नीड रहेगी। एवेंजर्स की स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सामने ही प्रेजेंट रहेगी, शायद से उनकी तरफ से क्लोज इन करने की कोशिश हो सकती है यहाँ पे, लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है, बट फिलहाल के तो एक डिस्टेंस पे रहेगी टीम, तो दे माइट नॉट बी एबल टू डू दैट। द टीम सब जीरो की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ उनकी तरफ से स्कलेक्सी टीम को बीटी दी जा रही है। सेज को नॉक किया गया है, आई थिंक सेज को यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश भी होना पड़ेगा, जैसे इसकी वजह से स्कलेक्सी टीम को एज अ थ्री मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा। बैकमैन की तरफ से उनको गाइस फिनिश किया जा चुका है। द टीम स्कलेक्स इज नाउ गोना सर्व एज अ थ्री मैन स्क्वाड, जॉन के थ्री मैन में राइजन, गॉडसन एंड टॉम देखने को मिल रहा है। राइजन की अगर मैं बात करूँ तो ही इज जस्ट स्टक एट दैट वेरी पर्टिकुलर कंपाउंड, तो डेफिनेटली उनको एक बीटी लग सकती है। जस्ट लाइक आई सेड, बैक स्टेप किया जा चुका है टीम टॉक्सिक स्पोर्ट्स को बाय द टीम एनएसजी ओवर दैट पर्टिकुलर स्पॉट। साबिर को गिराया गया, साबिर को फिनिश भी होना पड़ेगा पहचान कौन के द्वारा, जिस चीज़ की वजह से टॉक्सिक स्पोर्ट्स को एज अ टू मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा यहाँ पे। टू द फ्यू अदर टीम, जिस लाइक यहाँ पे बात करता हूँ द टीम स्कलेक्स के जो राइजन है गाइज, वो कहीं ना कहीं एक बीटी ले सकते हैं बिकॉज ही माइट नॉट बी सेफली एबल टू फॉल बैक, बिकॉज उनके राइट साइड पे रिज पे कदला भी प्रेजेंट है, जिस चीज़ की वजह से उनको एक बीटी लग सकती है। आयान वानी पॉइंट बैक को दिखाओ, ये रही ब्रो पॉइंट बैक स्पोर्ट्स, सॉरी पॉइंट बैक स्पोर्ट्स वॉज एलिमिनेटेड पर हैप्स एज फार एज आई नो, हाँ ब्रो एलिमिनेटेड है।
ओके सो यहाँ पे लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तरफ, जो स्कैटर्ड है एक दूसरे से. द थ्री मैन स्क्वाड देखने को मिल रहा है, उनका एट अ डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर, तो शायद से उनको कुछ ट्रबल्स का सामना वहाँ पे करना पड़ सकता है, उनको डिफिकल्टी लग सकती है वहाँ पे. तलसा नाका हवन नाका 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 ये रहा नाका फ्रॉम द टीम यूचिया स्पोर्ट्स ओवर देयर. यूचिया की पूरी स्क्वाड गाइस वहाँ पे प्रेजेंट है एंड क्योरी के साइड पे रहेगी, उनके सामने कोई भी टीम प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से दे माइट नॉट बी एबल टू टेक सम बीटीज ओवरऑल. यहाँ पे बात करते हैं द टीम कैंपर्स की स्क्वाड की, जहाँ उनकी टीम की अगर मैं बात करूँ तो थ्री मैन स्क्वाड ही खेलते नजर आ रही थी. डीबीएस है गाइस एंड सामने टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स का जो प्लेयर है वो देखने को मिलेगा, दैट्स गोना बी द मोक्ष. DBS कनेक्ट होगा मोक्ष का यहाँ पे, तो डेफिनेटली दैट्स गोना क्रिएट सम बीटीज. यहाँ पे सोलो पर्सन नेहजी जीएनसी रहेंगे, उनके पास में भी DBS है बट उनको यूएमपी के द्वारा फिनिश किया जाएगा एंड इसी के साथ में द टीम कैंपर्स को इस मैच के बाहर किया जाएगा. दे आर गोना बी एंटर दैट पर्टिकुलर बीटी फॉर नाउ. यहाँ पे तीन किल्स अपने खाते में ऐड कर चुकी है फिलहाल के लिए द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्टेज. यहाँ पे लेके चलते हैं टीम 313 की तरफ गाइज, जहाँ उनकी स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो वो उनके जैसे सामने टीम जो एवेंजर्स स्पोर्ट्स है वो प्रेजेंट है. सब जीरो की तरफ भी लेके चलेंगे जहाँ उनकी जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है फ्रॉम द फ्रंट साइड विद द टीम K40 बैक साइड पे फ्रॉम द टीम बाय द टीम दैट्स गोना बी स्कैलेक्स ओवर देयर. तो जस्ट बिल्कुल सामने ही गॉड किल प्रेजेंट रहेंगे. गॉड किल तरफ से यहाँ पे गॉडसेंड को गिराया जा सकता है, फॉल बैक करना ही प्रेफर करा, गॉडसेंड को गिराया जाएगा. टॉम की अगर मैं बात करूँ तो टॉम डैमेज्ड है यहाँ पे, आई थिंक ही नीड्स टू फॉल बैक, ही नीड्स टू बी रिवाइव्ड. ऐसा पैकमैन एंड कदला भी एट द बैक फुट रहेंगे जो कवर फायर प्रोवाइड करे. कामयाबी से गॉडसेंड को नॉक करा गया था वहाँ पे, टीम स्कैलेक्स को शायद से यहाँ पे एलिमिनेट होना पड़ सकता है. लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम दैट्स गोना बी ट्राई आउट्स हुआ था, जहाँ उनके नॉट साकिब को नॉक किया जा चुका है. टीम जो ऑलरेडी गाइस दो फिनिशेस अपने खाते में लेके जा चुकी है, देखते हैं इनका कहाँ तक का सर्वाइवल अब हमें देखने को मिल सकता है. व्हाट विल बी द इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम द टीम. यहाँ पे दोस्ती एक्सपूत की बात करूँ तो उनको नॉक किया जा चुका है. ऑन टू दर्शन यहाँ पे बात करते हैं एवेंजर्स ओरिजिनल्स की टीम की, जहाँ के जो फ्रीक है उनको नॉक किया जा चुका है. एन एम टी गॉडसन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल की मॉली से गिराया जाएगा, फिनिश भी होना पड़ेगा इंस्टेंटली. टॉम इज गोना बी द सोलो पर्सन फॉर हिज टीम. यहाँ पे पैकमैन को नॉक करने में कामयाब हुए थे बट कदला इज गोना फिनिश, गॉड किल इज गोना फिनिश हिम आउट एंड इसी के साथ में द टीम विल बी राइट अवे आउट ऑफ दिस मैच. द स्कलेक्स का यहाँ पे खात्मा होता हुआ नजर आएगा. बात करता हूँ डीएक्सएफ की स्क्वाड की, जहाँ गाइस उनका जो थ्री मैन स्क्वाड है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है. एक बहुत ही बेहतरीन सा सेफ गेम प्ले इनकी तरफ से हमें कवर अप करने के लिए मिला. लेट्स सी कहाँ तक का इनका गेम प्ले जाता है, कहाँ तक का इनका गेम सेंस हमें कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है. ओवरऑल जस्ट लाइक यहाँ पे बात करते हैं द टीम फेस्टिव स्पोर्ट्स की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा करीब है टू द फ्यू अदर टीम्स दैट ऑफ द एवेंजर्स ओरिजिनल्स एंड द टीम ट्रायआउट्स. तो एक थर्ड पार्टी एक ट्राइंगल सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है गाइस एंड इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है टू द फ्यू अदर टीम्स दैट आर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज. यहाँ पे बात करते हैं सब जीरो वर्सेस द टीम K40 की स्क्वाड की, तो K40 की स्क्वाड ने यहाँ पे पुश करा, गॉड किल को नॉक करा गया था बट यहाँ पे डेफिनेटली विज जॉर्ड को भी नॉक करा गया. पैकमैन को स्पॉट किया जाएगा, नियो के द्वारा गिराया जाएगा. कदला जो है अकेले सर्वाइवल अपनी टीम के लिए अब हमें देखने को मिलेंगे, जिस चीज़ की वजह से द टीम इज डेफिनेटली गोना क्रिएट फर्स्ट फॉर देमसेल्व्स. डेफिनेटली दे आर गोना गेट इनटू दैट पिट वेयर देयर इज नो कमिंग बैक फॉर फ्रॉम दैट लूप होल आउट देयर. ओके सो द टीम हैज़ टेकन अ गुड बीटी. सब जीरो की अगर मैं बात करूँ तो कि कदला एक सोलो पर्सन है, विज जॉर्ड को फिनिश तो किया गया बट कदला ऑन द अदर साइड हैज़ टेकन अ गुड डैमेज फ्रॉम द ड्रोगो. इनफैक्ट उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है. गॉड किल परहैप्स माइट और मे नॉट बी गेटिंग अ रिवाइवल ओवर देयर. लेट्स सी क्या सिनेरियो. फिलहाल के कवर फायर तो प्रोवाइड कर सकते थे कदला, फिर स्मोक वॉल्स क्रिएट कर सकते थे एंड लेट्स सी क्या सिनेरियो रहेगा यहाँ पर. सो दोज टीम्स नीड टू क्लोज इन द जोन एज वेल, तो शायद से उनको इस चीज़ का जो बीटी है गाइज वो लग सकता है एंड इवेंचुअली दे माइट हैव टू फेस सम ट्रबल्स इंडीड. लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है, व्हाट विल बी द इम्प्लीमेंटेशंस फ्रॉम द टीम फ्रॉम एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पॉट. यहाँ पे एवेंजर ई-स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उनका जो पूरा का पूरा स्क्वाड सर्वाइव कर रहा है, दे हैव नॉट टेकन एनी फिनिशेस अनफॉर्चुनेटली फॉर नाउ फॉर दिस टाइम ड्यूरेशन बट डेफिनेटली उनका जो पूरा स्क्वाड है विदाउट एनी कैजुअलिटी सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है, जिस चीज़ की वजह से शायद से उनका एक अच्छा खासा गेम प्ले शायद से कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आ सकता है. गॉड किल को गाइज एक रिवाइवल मिल चुका है, जिस चीज़ की वजह से द टीम इज गोना सर्वाइव एज अ टू मैन स्क्वाड फॉर नाउ. गॉड किल और कदला सामने अगर मैं बात करता हूँ, ड्रोगो को स्पॉट करा गया, ड्रोगो की तरफ डैमेज भी दिया गया उनको बट यहाँ पे जो टीम है गाइस उनको जोन क्लोजिंग करना है अदरवाइज दे माइट बी टेकिंग सम बीटीज ओवरऑल. अब बात करता हूँ टीम्स की, तो गाइस 12 टीमें सर्वाइव करेंगे, दैट्स गोना बी अ काउंट ऑफ 37 प्लेयर्स फॉर नाउ एंड ऑलरेडी 17 मिनट जो है मैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं. तो लेट्स सी किस टीम की तरफ से हमें किस तरीके का गेम प्ले कवर अप करने के लिए मिल सकता है, विच टीम इज गोना शो विच काइंड ऑफ गेम प्ले एट दैट वेरी पर्टिकुलर स्पॉट राइट अवे.
लेकिन चलते हैं एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तरफ, जहाँ के जो एक्सपोज फ्री है उनको नॉक करा गया, बट आई थिंक उनको जो मोक्ष है वो एक सेफ रिवर प्रोवाइड कर देंगे राइट एसाप, एंड दैट इज द नीड एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम। के फोर्टी की अगर मैं बात करूँ तो सब जीरो की तरफ से उनको अब गिराया जा सकता था, बट नियो ने यहाँ पे कामयाबी से गिराया तो था गॉड किल को, बट गदला एट दैट बैक साइड कवर फायर देंगे अपने टीम मेट गॉड किल को एंड ही विल बी सर्विंग एट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन फॉर नाउ। एस टी एक्स नेक्सिस की बात करूँ तो पर हैव दे माइट बी क्लोजिंग इन टू द जोन यूजिंग दैट बोट फॉर नाउ, बट आई थिंक इस गलती की वजह से शायद से उन दोनों के दोनों प्लेयर्स को गिरना पड़ सकता है, बिकॉज सब जीरो इज गोना बी प्रेजेंट राइट इन टू देयर राइट साइड, डिफिकल्टीज इज गोना बी ऑल अराउंड। आई थिंक सब जीरो उनको स्पॉट करके गिरा सकती थी वहाँ पे, बट आई थिंक दे हैव नॉट स्पॉटेड देम आउट। लेकिन चलते हैं टीम ट्राईआउट्स की तरफ, जहाँ उनके ब्लड एक्स को गिराया जा चुका है। फिलहाल के लिए जो टीम है गाइज वो तो कम्प्लीटली सर्वाइव कर रही थी, बट ब्लड एक्स के फिनिश होते ही यहाँ पर टीम को एज अ थ्री मैन स्क्वाड ही सर्वाइव करना पड़ेगा। अब दे हैव टेकन अ गुड बीट इज ओवरऑल। जोन की अगर मैं बात करूँ तो जोन तो फिलहाल के लिए इन टीम्स को फेवरेबल रहेगा। द टीम एवेंजर्स, द टीम टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स, द टीम 313, सब जीरो को फिनिश किया जा चुका है टीम डीएक्सएफ की तरफ से। डेफिनेटली दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिनिश फ्रॉम द जॉट आउट देयर। फिलहाल के लिए टीम डीएक्सएफ अपने खाते में दो किल्स लेके जा चुके हैं। गॉड किल जस्ट वाइप्ड आउट ब्रो, दे हैव बीन जस्ट वाइप्ड आउट। ओके सो टॉकिंग अबाउट दोज टीम्स आउट देयर, जस्ट लाइक आई वाज सेइंग दैट एनर्जी स्पोर्ट्स की जो टीम है गाइज एक अच्छे खासे स्पॉट पे तो थे फिलहाल खेले, बट सामने जो टीम प्रेजेंट थी दैट वाज द फ्रेश न्यू ईस्पोर्ट्स एंड एज वेल द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज आर ऑल अराउंड ओवर देयर। एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने डेफिनेटली जोन जो यहाँ पे सेफली क्लोज इन कर दिया है। दे आर एट अ सेफर साइड फॉर नाउ, एंड शायद से एक कुछ कैजुअलिटीज़ दे सकती है बाकी ही टीम्स को, या फिर ले भी सकती है, नेवर नो, नेवर माइंड, एंड डेफिनेटली दैट विल बी जस्ट डिसाइड आउट बाय द टाइम बाय द क्लोजर ऑफ द जोन ओवर देयर। जोन जो है गाइस क्लोजिंग करना स्टार्ट कर चुका है फिर से, लेट्स सी किस टीम को फेवर करेगा, बिकॉज ऑलरेडी गाइस 20 मिनट मैच को स्टार्ट हुए हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी ऑलमोस्ट द डेथ जोन राइट आफ्टर दिस। तो जोन क्लोजिंग करना शुड बी द प्रायोरिटी फॉर द टीम्स राइट अवे। या फिर टॉक्सिक ईस्पोर्ट्स की बात करूँ तो शायद से उनको नेक्सस ईस्पोर्ट्स की तरफ या फिर सॉरी एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स की तरफ से स्पॉट करके फिनिश करा जा सकता था। द एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स माइट बी एबल टू हंट देम डाउन, माइट बी एबल टू टेक देम डाउन ओवर दैट पर्टिकुलर स्पॉट पर। नाउ गब्बर और नूब जो है गाइज वो एज अ टू मैन स्क्वाड ही अब अपनी टीम के लिए सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, जिस चीज़ की वजह से दे माइट बी हैविंग अ पर्टिकुलर फेवरेंस ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर ड्यूरेशन। लेके चलते हैं टुवर्ड्स द टीम एवेंजर्स ओरिजिनल्स की तरफ से, जो ऑलरेडी छह फिनिशर्स लेके जा चुके हैं इनटू देयर फेवर डिस्पाइट बीइंग अ थ्री मैन स्क्वाड आउट देयर। दैट वाज अ गुड डैम गेम प्ले फ्रॉम द टीम ओवर देयर, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ प्लेयर्स की तो ऑल ऑफ दोज प्लेयर्स हैव जस्ट टेकन दोज टू किल्स ईच। एनएसजी स्पोर्ट्स की बात करूँ तो उनके जस्ट बिल्कुल अपोजिट साइड पे प्रेजेंट रहने वाली है द टीम फैशनियो स्पोर्ट्स। आई थिंक फिलहाल के लिए जो एनर्जी के स्नाज हो चुकी है उनको फिनिश किया जा चुका है, जिस चीज़ की टीम की जो कैजुअलिटी हो चुकी है एंड 3v4 की फाइट इनको इनिशिएट करनी पड़ सकती है वहां पे। स्कलेक्स दिखाओ, एलिमिनेटेड ब्रो। ओके सो सॉरी, 313 की तरफ लेके चलते हैं जहाँ उनके उस्मान जॉर्ड को एलिमिनेट किया जा चुका है। एजीएच उस्मान, वाईएफएम 313 एंड केएमआर उजैर की अगर मैं बात करूँ तो वो अब एज अ थ्री मैन स्क्वाड ही अब अपनी टीम के लिए देखने को मिलेंगे। देखते हैं इनकी तरफ से किस तरीके का गेम प्ले हमें कवर करने के लिए मिलेगा। यूजीआर की तरफ कुछ प्रेशर ओवर करने की कोशिश तो करी थी, बट आई थिंक यहाँ पे उस्मान ने वो गलती करी, उनको स्पॉट किया जाएगा एंड उनको फिनिश आउट होना पड़ेगा अब आउट ऑफ द जोन। लेके चलते हैं नेक्सस वाइपर की तरफ, जहां उनको गिराया जा चुका है फ्रॉम द टीम ट्रायआउट्स। एसटी मैडी की अगर मैं बात करूं जो अब अकेले सर्वाइवर टीम द टीम एसटीएक्स नेक्सस के लिए रहने वाले हैं, क्या वो यहां पे एक सर्वाइवल कर पाएंगे या फिर नहीं। बात करता हूं अपसर्जन जर्सी की तो उनको नॉकआउट होना पड़ा है यहां पे। द टीम परहैप्स गोना गेट अ गुड डैम बीटी एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट एट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ओवर देयर। टाइगर जिंदा है कि मैं अगर बात करूं अलोंग विद द शीशुई विल बी सर्वाइविंग एज अ टू मैन स्क्वाड फॉर द टीम युचिया ओवर देयर। तो इनकी तरफ से गाइस डेफिनेटली एक अच्छा खासा गेम प्ले हमें कवर अप करने के लिए मिला है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। फॉर नाउ लेट्स सी क्या इंप्लीमेंटेशंस होती है इनकी तरफ से एंड किस तरीके का गेम प्ले कवर अप करने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा इनकी तरफ से। फैशनियो ओवरा, फैशनियो स्पोर्ट्स विद दैट लव इमोजी ओवर देयर। फैशनियो स्पोर्ट्स ने डेफिनेटली बहुत ही प्यारा सर्वाइव करा, तो डेफिनेटली दैट्स वर्थ एप्रिसिएशन फॉर नाउ आई गेस।
एंड देखते हैं क्या सीन रहता है ओवरऑल टीम का, क्या फर्दर सर्वाइव कर पाते हैं या फिर उनको एक बीटी जो है लग जानी है, जिस चीज़ की वजह से दे माइट नॉट बी गेटिंग अच्छे कंडीशन राइट अवे। फैशनियो के बाफा की अगर मैं बात कर रहा था जिस तरह, तो फैशनियो बाफा को नॉक किया जाएगा, फैशनियो के बाफा को एक इंस्टेंट रिव्यू प्रोवाइड किया जाएगा उनके टीम मेट एड्रॉइड जॉर्ड की तरफ से। बट सामने से जो टीम एवेंजर्स ओरिजिनल से गाइस वो आ चुकी है, उनकी तरफ से कुछ मॉलीज वगैरह थ्रो की जा सकती है। एक्सफोर्स मोकश की अगर मैं बात करूँ तो उनको गिराया जा चुका है। फ्रीक जो है एक सोलो पर्सन सर्वाइवल अपनी टीम के लिए रहने वाले, शायद से एक प्रोवाइड करेंगे मोक्स को यहाँ पे। लेट्स सी इफ ही इज गोना डू दैट सेफली, बिकॉज सामने से जो टीम एनर्जी स्पोर्ट्स भी प्रेजेंट रहेगी। नॉट साकिब की अगर मैं बात करूँ तो उनको गिराया जा चुका है। यहाँ पे बात करता हूँ एस टी मैडी की, तो आउट ऑफ द जोन है, आई थिंक हिल बैटल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एवल की बात करते हैं तो गाइस एवल इज गोना बी द सोलो पर्सन फॉर हिज टीम, देखते हैं कहाँ तक सर्वाइव करेंगे अपनी टीम के लिए, बिकॉज डिफिकल्टीज आर ऑल अराउंड। यहाँ पे बात करता हूँ अपसर्ज की, तो जिनकी फाइट यहाँ पे यूचिया के साथ में इनिशिएट हुई थी, यूचिया के जो टाइगर जिंदा है उनको फिनिश आउट किया जा चुका है। शीशुई की अगर बात करूँ, शीशु के जैसे सामने ही टीम एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स का जो डुओ है वो प्रेजेंट है, अपसर्ज को भी गिराया जा चुका है। चर्सी इज गोना बी द सोलो वन, वन वी वन की फाइट रहेगी गाइस, क्या चर्सी को स्पॉट करके यहाँ पे गिराया जाएगा शीशु की तरफ से या फिर नहीं। फिलहाल के लिए एवेंजर ईस्पोर्ट्स भी एक बहुत ही बुरी, एक बहुत ही बद्दी सी बीटी लेकर जा चुकी है इनटू देयर अकाउंट। टॉक्सिक की ईस्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको भी एलिमिनेट किया जा चुका है। डीएक्सएफ की बात करते हैं गाइस, उनके जो रॉजर वाइपर फिनिश आउट हुए हैं, जॉर्ड को भी आउट ऑफ द जोन गिरना पड़ा, यहाँ पे कैरी करा जा रहा है उनको उनके टीममेट की तरफ से ताकि सेफली जोन लिया जा सके, आई थिंक लिया जा चुका है। जॉर्ड की तरफ से एक जॉर्ड को जो एक सेफ रिवल प्रोवाइड किया जाएगा उनके टीममेट थंडर की तरफ से। वहां पे जोन यहां पे फेवरेबल हो चुका है टू द टीम एनएसजी ईस्पोर्ट्स, जो अब बीटी देता हुआ नजर आएगा टू द फ्यू अदर टीम्स एज वेल। उनके जस्ट सामने टीम फैशनियो ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट तो है, बट दे नीड टू गेट टू जोन राइट आफ्टर 15 सेकंड्स, यहां पे जोन क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देगा जिस चीज़ की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बीटी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। इवेंचुअली दे माइट हैव टू फेस सम ट्रबल्स गाइस। 31 की वॉचिंग हो रही है, 31 की वॉचिंग हो रही है, सिर्फ 27 लाइक्स है। तो जिसने भी चैनल को लाइक नहीं करा, जिसने भी वीडियो को सॉरी लाइक नहीं करा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, डू इट ASAP गाइस। फैशनियो ईस्पोर्ट्स की बात करता हूँ गाइस, मैजिशियन जो है उनको नॉक करा जा चुका है। फिलहाल के लिए रिवाइवल इज नॉट गोना बी पॉसिबल एट एनी कॉस्ट फॉर नाउ। टीम एनर्जी स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो गेट की तो करेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। डीएक्सएफ की स्क्वाड की तरफ से यहाँ पे फैशनियो लेंच को गिराया जा चुका है, बाफा को भी। गब्बर की बात करता हूँ, गब्बर बैक साइड पे है, बट आई थिंक वो जोन के बाहर यहाँ पे फिंचट होते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली द टीम इज गोना हैव दैट बैड सेंस ऑफ बीटी राइट अवे। यहाँ पे बात करता है डीएक्सएफ की टीम की गाइस, वो 8 फिनिशेस अपने खाते में लेके जा चुकी है, बहुत ही बेहतरीन सा गेम प्लान की तरफ से कवर करने के मिला। ओवरऑल अगर मैं टीम की बात करूँ तो फैशनियो ईस्पोर्ट्स की जो एड्रॉइड जॉट है इज गोना बी द सोलो पर्सन राइट अवे फॉर हिज टीम। थंडर को गिराया जा चुका है, रिवाइवल इज नॉट गोना बी पॉसिबल। जॉर्ड जो है एक सोलो पर्सन सर्वाइवर है, जॉर्ड ने वहां पे जोन क्लोजिंग करने की कोशिश करी थी बट उनको गिराया जा चुका है। जॉर्ड की बात करूँ, जॉर्ड ने भी यहाँ पे जोन क्लोजिंग करने की कोशिश करी थी बट उनको भी फिनिश आउट होना पड़ा है। दैट्स गोना बी स्टैंडिंग द थ्री मैन टीम्स। अब यहाँ पे सिर्फ 2 टीमें सर्वाइव करेंगे, इट्स गोना बी 1v3 सिनेरियो फॉर द टीम एनर्जी वर्सेस द टीम एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स। ओवर क्या यहाँ पे एवेंजर्स ईस्पोर्ट्स की चर्सी एक अच्छा खासा गेम प्ले दिखा पाते हैं, क्या अपनी टीम को यहाँ पे चिकन डिनर दिला पाते हैं बाय डूइंग दैट 1v3 टू द टीम या फिर नहीं। फिलहाल के लिए फैशनियो प्लीज शो फैशनियो एलिमिनेटेड सिस्टर और ब्रदर व्हाट एवर यू आर, बिकॉज फ्रॉम डीपी आई थिंक यू आर अ गर्ल, सो दैट्स व्हाई आई सेड सिस्टर। बट अगर एंजल प्रिया टाइप हो तो देन आई कैन नॉट से एनीथिंग। हाँ निहाल, हाँ जिक्स, बस इट विल टेक मी 10 मिनट्स हार्डली। ओके गाइज, यहाँ पे चर्सी की बात करते हैं तो चर्सी के जस्ट सामने ही बिल्कुल एनएसजी स्पोर्ट्स के वो 3 प्लेयर्स देखने को मिल रहा है। एट इज लेफ्ट इट्स गोना बी द 2 प्लेयर्स, गॉड की अगर मैं बात करूँ गॉड उनके राइट पे है। चर्सी की तरफ से यहाँ पे गिराया जाएगा पहचान को उनको, डेफिनेटली इट्स अ गुड किल फॉर हिम। मॉर्फिन को भी गिराने की कोशिश हो सकती थी यहाँ पे। फिलहाल के लिए लेट्स सी क्या सीनेरियो रहेगा, गॉड बिल्कुल सामने है, क्या यहाँ पे थ्रोएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आई थिंक इट्स गोना बी सो, यस ही इज गोना शो अस सम थ्रोएबल्स स्पॉट, बट चर्सी की तरफ एक मॉली थ्रो करी गई, दैट इज गोना एंड हिम अप। यहाँ पे एक नॉक तो किया गया उनकी तरफ से, गॉड की अगर मैं बात करूँ गॉड उनके जस्ट बिल्कुल सामने प्रेजेंट है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट गोना बी अ 1v3, इट्स ऑलमोस्ट अ 1v3 आउट देयर, बट उनकी तरफ एक बेट किया गया उनको, DBS वर्सेस द UMP ओवर देयर, इट्स गोना बी अ 1v3 फ्रॉम द टीम एवेंजर ईस्पोर्ट्स। व्हाट अ फ्रीकिंग गेम प्ले बाय द चर्सी राइट अवे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम प्ले ब्रो, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम प्ले बाय द टीम एवेंजर आरसी, व्हाट अ चर्सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल चर्सी वाला गेम प्ले। ही इज जस्ट द लिटरली बीन स्मोकिंग सम वीड फॉर अ लिटिल टाइम ड्यूरेशन ओवर देयर, दैट्स व्हाई ही जस्ट शोड दैट बीस्ट 1v3 ओवर देयर टू द टीम एनएसजी राइट अवे। बात करता हूं टीम की तो गाइस, द ड्रीम एवेंजर ईस्पोर्ट्स टुक दैट चिकन डिनर राइट अवे विद द 7 डैम फिनिशेस, ब्यूटीफुल।
At the second position, it's going to be the team NSG with a total count of 11 finishes over the overall. Third position pay the team the Tryouts with the count of 5 finishes. Fourth position pay the team DXF with the count of 8 finishes. Fifth position pay Fast New Esports with the count of 5 finishes, guys. Sixth position pay UGH with the count of 3. Seventh position pay the team Toxic Esports with the count of 2. Eighth position pay the team STEX Nexus with the count of 2. Ninth position pay the team Avengers Originals with the count of 6 overall. 10th position pay the team 313 with the count of 1 finish. 11th position pay the team Sub-Zero with the count of 6 finishes overall. 12th position pay K40 with the count of 1 finish. 13th position pay Skullex with the count of 2 finishes. 14th position pay the team Campers with the count of 0 finishes into that particular spot. 16th position pay the team MVG with the count of 0. 17th position pay WRT with the count of 4 finishes. And unfortunately, sabse pehle yahan pe eliminate hona pada tha टीम फोर इसको विद दो जीरो फिनिशेस राइट अवे. स्टार ऑफ द मैच की बात करते हैं गाइस, द मॉर्फिन ओजी. आई जस्ट डोंट बिलीव मॉर्फिन ओजी यार, लेट इट बी द चर्सी इज गोना बी द गोइंग ऑल आउट ऑफ दिस मैच. मॉर्फिन ओजी विद दोस 5 फिनिशेस. एक्सफोर्स फ्रीक इज गोना बी द बेस्ट कंपेनियर विद 1 एसिस्ट एंड 2 रिवल. चर्सी गोना बी द फिनिशर ऑफ दिस मैच विद 4 डैम ब्यूटीफुल फिनिशेस राइट अवे एट द एंड. कलीम भगवान अपसोई शॉट भगवान की प्ले. Okay, love. Thank you so much, Cena Plays. So, guys, this was it for the semi-finals round out there. I hope you guys just enjoyed the stream, today's stream overall. I think, inshallah, kal break hogi shayad se. To, parson se jo hai, start hona hai the finals round over there. तो देखते हैं किस तरीके की गेम प्ले हमें देखने को मिल सकती है फ्रॉम दोज टीम्स राइट अवे. बिकॉज फिलहाल के लिए अगर मैं टीम्स की बात करता हूँ गाइज, तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्यारा गेम प्ले हमें आज देखने को मिला फ्रॉम दोज टीम्स आउट देयर. एंड डेफिनेटली मे द बेस्ट टीम्स गेट क्वालिफाइड ओवर देयर. आई विश देम बेस्ट ऑफ लक. एंड जो टीम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएंगी, डेफिनेटली दे हैव अ गोल्डन चांस टू टेक अ स्लॉट इन द फाइनल्स डायरेक्टली ओवर देयर जस्ट एट 300. एंड द स्लॉट्स आर ओपन, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है. एंड डेफिनेटली दैट्स गोना बी इट, बिकॉज ग्रैंड फाइनल्स में स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे, वाइल्ड कार्ड स्लॉट्स. तो गाइज, फिलहाल के लिए जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर मेट्स एज वेल, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे. एंड इंशाल्लाह मिलते हैं कल या परसों विद अनदर स्ट्रीम. तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड हैव अ गुड नाइट. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout.
Love.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
It's the first time of today. Superhero.